शुभारंभ करें, लेकिन उसके पहले हमारे इस सत्र के अध्यक्ष जी हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। आए हुए हैं, वो दिखाई तो दिए थे। अरे अच्छा, सर नमस्ते, आ गए सत्र सर, आ गए। त्रिपाठी नमस्कार जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है नमस्कार, आपको? आ रही है मेरे इसमें कुछ अच्छा गड़बड़ी है। अच्छा अच्छा नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्र के अध्यक्ष हैं और राजवीर जी कुछ कहेंगे और मतलब स्वागत करेंगे सबका, और उसके बाद आपको हम सौंप देंगे ये। जी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज दीदी भी उनका संबोधन देंगी, हमें व्याख्यान हमें सुनने की अभिलाषा थी। मेरे आईआईएस ज्वाइन होने के बाद मुझे बड़ी इच्छा थी कि दीदी भी हमारे यहाँ आके व्याख्यान करें, लेकिन किसी वजह से यहाँ आ नहीं पाई अभी तक। लेकिन आशा है कि जल्द ही आप पधारेंगी यहाँ। जी हमने साथ बहुत काम किया जब संस्कृत सेंटर की शुरुआत की गई JNU में, और कपूर साहब ने शुरुआत की और दीदी ने इसका पदभार संभाला। तब उनकी कमेटी में मैं रह चुका हूँ और साथ हम बहुत अच्छे अच्छे काम किए वहाँ। और प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ, जैसे मुझे जो टिप्पणियां आई उसके बारे में, और फिर मैं राजवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो सत्र को आगे ले जाएं। तो एक तो किसी ने मुझे ये कहा कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जो यूएन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब तो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मापदंड है, और आप लोग कुछ और ही चला रहे हैं कि ग्रोस धार्मिक प्रैक्टिस, अनुराधा जी का हवाला देते हुए पंडिता जी का, कि आपने कुछ और ही चला दिया। और मैंने कहा क्या इसमें क्या हर्ज है, मतलब ऐसा हम चलाएंगे, हमारे नाम मापदंड विश्व भर में हम फैलाएंगे तो उसमें क्या आपत्ति है, क्योंकि दुनिया के सामने कई विकल्प हमको रखने चाहिए। यही नहीं कि उन्होंने कुछ बताया और हमने उसको स्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, महत्वपूर्ण बात कही, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, एक बात मान भी लेते हैं कि हम ये एक नया मापदंड विश्व के सामने पेश करें कि ग्रोस धार्मिक प्रैक्टिस GDP, तो ये बताइए कि इस कसौटी पे हम कहाँ ठहरेंगे। भारत में क्या आपके यहाँ किसी को ये लगता है कि न्याय मिल रहा है? आपके देश में कोई सामान्य व्यक्ति हो तो वो न्यायालय के दरवाजे खटखटाए, उसको न्याय मिलेगा? कितने वर्ष लग जाएंगे? तो अगर वो एक कसौटी हो तो आप कहाँ खड़े होते हैं? अच्छा, दूसरी कसौटी है कि समानता या इक्वालिटी कहें, एक इक्विटी की तो बात हो गई, इक्विटी यानी न्याय, इक्वालिटी की बात करें, कोई सामान्य व्यक्ति है क्या उसको समाज में वो डिग्निटी प्रतिष्ठा, वो भी छोड़ दो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए, उस पे आप कहाँ खड़े हैं, है ना? और आप वैचारिक स्वराज की बात करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे कुछ चिंता भी हुई। अब तो ये लग रहा है कि कोई भी कसौटी हो, चाहे GDP हो, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे आप कोई नया इंडेक्स प्रस्तापित करें, उस सब पे हम लोग कुछ कम ही नजर आएंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था अभी किसी भी मापदंड को लेकर के संतोषजनक शायद नहीं है। ये कोई हम पे आलोचना भी करे तो भी वो हम ये नहीं कह सकते ये नाजायज है, हम थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करेंगे। तो इसका एक ही जवाब है, एक ही उत्तर है जो मैंने उनको भी दिया। चलिए हम अपने आप से शुरुआत करें, क्या हम एक धार्मिक जीवन गुजार रहे हैं, या हम कोशिश भी कर रहे हैं एक धार्मिक जीवन को गुजारने की, व्यतीत करने? तो ये मेरे हिसाब से ये स्व स्व से हम स्वराज की बात कर रहे हैं, स्व से शुरुआत करें, स्वराज की बात स्व से ही होगी।
अच्छा दूसरी चीज जो किसी ने टिप्पणी मुझे भेजी कि आप कह रहे हैं कि आप वैचारिक स्वराज की ओर जा रहे हैं, है? तो ये वैचारिक स्वराज उन्होंने कहा ये महज एक विचार है, आप समझ रहे हैं? उन्होंने उसको दूसरी तरह से लिया कि ये वैचारिक स्वराज एक सिर्फ विचार है, ये कोई वास्तव में कुछ नहीं है। ये एक मुझे क्रिटिसिज्म आई कि दिस इज एन एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज एन आइडिया। तब मेरे मन में एक उसके लिए जवाब आया जो मैं देना चाहता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि आपका जो वेदांत है ये तो एब्स्ट्रैक्शन है, ये वेदांत, ये अद्वैत वगैरह, ये इसमें कोई वास्तव में इसमें कोई प्रामाणिकता नजर नहीं आती। आप ये कहते हैं जीवात्मा परमात्मा एक ही है, जीव शिव एक है, वगैरह वगैरह। तो तब उन्होंने लंदन में लेक्चर दिए, 3 भाग में लेक्चर दिए, प्रैक्टिकल वेदांत। तो कल सिन्हा साहब ने बात कही थी छांदोग्य उपनिषद की, तो उसमें ये आता है कि कोई 12 साल, 12 साल श्वेत केतु सारी विद्याएं सीख के आता है पिताजी के पास, अरुणी उद्दालक के पास, और वो कहते हैं ब्रह्म विद्या आपने अभी प्राप्त नहीं की। तो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने कहाँ जाता है? राजा जनक के पास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत यानी वो वेदांत जो किसी सिर्फ अरण्य में जाके प्राप्त नहीं होगा, ये जो राजा जो शासन कर रहे हैं वो आपको बताएंगे ब्रह्म विद्या क्या है। तो भारत, प्राचीन भारत का आदर्श ये था कि ये जीवन जीते हुए व्यतीत करते हुए हम वेदांत को हमारे कण कण में, हमारे जीवन में इसको आत्मसात करके जीवन में उतारे। और यही मदालसा की कहानी है, शायद दीदी बताएंगी मेरे से बेहतर। लेकिन ये प्रैक्टिकल वेदांत जंगलों में सिर्फ IIS में सिर्फ वैचारिक स्तर पे ये नहीं है। हम जो स्वराज्य की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट अ मियर एब्स्ट्रैक्शन। स्वराज्य इन आइडियाज इज ए प्रैक्टिकल इन लिव रियलिटी। और ये लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, कल के सत्र में पंडिता अनुराधा जी ने कहा कि देखिए आपका सत्व क्या है ये खोजिए। स्वराज एक स्व की खोज है, स्व की खोज नहीं होगी तो स्वराज कैसे प्राप्त होगा? तो मैं इसको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि दरअसल हमेशा कहा जाता है हमारा स्वराज हमसे छीन लिया गया, हम पे आक्रमण हुआ, हमारी संस्कृति का पतन हुआ, विदेशियों ने हम पे राज किया, हम स्वाधीन थे पराधीन हो गए। तो ये जो स्व की खोज है, मैं बहुत विनम्र तरह से कहना चाह रहा हूं, वो स्व का तत्व क्या है या सत्व क्या है जो अनुराधा जी कह रही हैं, वो ये है कि वो क्या चीज है जो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, जो प्राप्त होने पर हम पूरी तरह से निर्भय हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे, ये क्या चीज है? मतलब उसका एक ही मैं सिर्फ बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगा, स्व की खोज में जब आप एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, स्व को पाते हैं, तो वो आपका जो सत्व है या जो स्व है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और उसकी प्राप्ति जो व्यक्ति करेगा वो स्वराट होगा, जो समाज करेगा, जो सामाजिक स्तर पे अगर हमने अपना स्व प्राप्त कर लिया दोबारा से, वही इंडियन रेनेसांस है, वही स्वराज है, वही स्वराज इन आइडियाज है, ये कोई आपसे ले नहीं पाएगा। दिस इज माई पॉइंट, वॉट इज योर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम यू बाय एनी बॉडी आउटसाइड। कोई भी तत्व हो, कोई भी शक्ति हो, वो आपसे अपने आप को छीन नहीं पाएगा। तो स्व की खोज, स्वराज के लिए पहला कदम स्व की खोज है, स्व को प्राप्त करना, उससे स्वराज्य भी प्राप्त होगा, और वो स्वराज्य होगा जो कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। मुझसे मेरा अस्तित्व, मेरा स्व, मेरा सत्व, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो आत्मबोध है, वो मेरे से कोई भी छीन नहीं पाएगा। मैं यही मतलब जो टिप्पणियां आई थी उनका मैं इस तरह से जवाब भी देना चाह रहा हूं। लेकिन अब मैं आग्रह कर अनुरोध करूंगा हमारे इस
कन्वीनर जो संचालक है इस स्वराज्य इन आइडियाज के गोष्ठी के, राजवीर जी आप इसको आगे ले जाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नॉट ओनली गिविंग द फीडबैक बट ऑल्सो पुटिंग योर इनपुट्स इन टू दैट एंड द आंसर्स यू हैव गिवन। I think I would like to begin with what you have already said. And had I been also involved in giving answer to these queries, I would have said that the models which have developed in the last almost centuries have failed us. And therefore, there's a need for a different kind of an independent thought. And in fact, it is not India alone where we question the lack of equality or equity. I think even the West and the East, the earlier two groups also suffered from these weaknesses of governance. And neither in America nor in Britain nor in Germany, we find total or even semblance of complete equality or equity or justice. They are also lacking there too. You know, the blacks and the whites in America, there's a huge difference between the treatment between the two, and so can be said about other cultures. I don't want to go into that. In fact, whenever you start a new thing like you have started now, the Vaicharik Swaraj, such queries will come. And in fact, the gross dharmic product is the lack of it is the reason for these weaknesses. Agar dharmic product par hum zor dete तो मुझे लगता है कि इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस इन तीनों को ही हम प्राप्त करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर। इनफैक्ट इट इज द ड्यूटी, धर्म इज नॉट रिलीजन, एज कौटिल्य हैज आल्सो एम्फसाइज्ड, ही वाज नॉट आर्ग्यूइंग फॉर एनी धार्मिक स्टेट, रिलीजियस स्टेट, थियोलॉजिकल स्टेट एज सच, बट ही वॉज टॉकिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमेन वैल्यूज, एंड देयरफॉर एंड द ड्यूटी। Now, if we perform these things, human values and duty, then perhaps everyone shall be treated the way he or she should be. Now, this is what I just wanted to add. And in fact, yesterday also, we had a very, very good kind of deliberations by all the three eminent speakers. Whether it was Professor Chaturvedi, who also insisted that, all right, sustainable development goals cannot be achieved until unless we pay attention to culture. So therefore, culture and development are interlinked. That is what we, in fact, in this seminar also, we want to bring out. And we will have to search for the new methods and new ways, new thinking, new thought, rather than merely blindly following whatever has been said so far by the so-called the West or the East. This is what I would like to say. The task which Professor, the director, honorable director has given to me to welcome and begin this session, I would first of all express my sincere thanks, and also I welcome Professor Radha Vallabh Tripathi, who very kindly agreed to our request to chair this session. And we all know that he is the former Vice Chancellor of Rashtriya Sanskrit Sansthan. We will be benefited by your presence and your thoughts, sir. Welcome to this seminar symposium. I have a great pleasure, and it is my proud privilege to welcome Professor Shashi Prabhak Kumar, who has been a name not only in India but also outside India in the field of not only Sanskrit but also Vedas and the philosophy. Professor Shashi Prabhak Kumar ji, in fact, I also call her Behenji or Didi. Madam नहीं कहता हूँ, बहुत formal नहीं हूँ मैं उनके साथ. लेकिन आज आई एम बे फॉर्मल विद यू मैम, मोस्ट वेलकम टू दिस सिंपोजियम। प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही संस्कृत में प्रोफेसर रही हैं
और जिनका अपना एक बौद्धिक वर्ल्ड में, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में अपना एक अलग पहचान है. मैम, सो नाइस ऑफ यू टू हैव एग्रीड टू अवर रिक्वेस्ट एंड आई वेलकम यू टू दिस सिंपोजियम. I am so happy to welcome Dr. Ratan Sardarji also, who will be giving his address in the next session. And it would be an enriching kind of experience in a different sense. Sir, aapka bahut swagat. So nice of you that you agreed to our request. We have invited a number of scholars in different sessions. I welcome all those scholars to this symposium, and I think we will reach some kind of a conclusion which shall be of interest not only to the society and not only to the scholars, but I think it will also pave some way to a new thinking even in the government institutions, you know, and something will be there. So with these words, I welcome you all once again. And I invite Professor Radha Vallabh Tripathi ji to kindly come and chair and give his opening remarks. Sarvebhyo namah. Aham Sanskritena Vadishyami. सत्रमिदं प्रारभ्यते वैचारिक स्वराज्यमधिकृत्य समायोज्यमानायाः संगोष्ठ्याः मन्ये द्वितीयं सत्रमिदं प्रारभ्यते. यो दिने उद्घाटन सत्रं मया आद्यन्तं श्रुतं तत्र भारतीयोच्च अध्ययन संस्थानस्य निदेशक महोदयैः मकरन्द परांजपे वर्यैः एतत् कथितं यत् यदि किञ्चित् संस्कृतं समुच्चार्यते तर्हि शोभनं भवेत्. तथा प्रवृत्ति मम जिह्वा संस्कृतेन वक्तुं फुरफुरायते. मेरी जीभ पर संस्कृत में बोलने के लिए खुजली तभी से हो रही है. कुछ दिनों से संस्कृत में नहीं बोल पाया. अद्य संस्कृतेनैव वदिष्यामि. सत्यं वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, तद अवतु मां, तत् सर्वान् भवतः अवतु इति मन्ये. वैचारिकं स्वराज्यम् अधिकृत्य अष्टाविंशोत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे 1928 तमे वर्षे कृष्णचंद्र भट्टाचार्य महोदयेन यद् व्याख्यानं प्रदत्तं तद् व्याख्यानम् अधिकृत्य चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे यदा अहं फेलो रूपेण कार्यं कुर्वन् आसम् भारतीयोच्चाध्ययन संस्थाने एव तस्मिन् वर्षेपि आचार्य शरद देशपांडे महोदयेन वैचारिकं स्वराज्यम् इति विषयम् अधिकृत्य कृष्णचंद्र भट्टाचार्य महोदयानां व्याख्यानं च केन्द्रीकृत्य राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजिता. सा संगोष्ठी पाश्चात्य पद्धत्या यथा दार्शनिकं चिंतनं भवति तादृशीं पद्धतिम् अवलम्ब्य प्रायशः प्रचलति स्म इति मया अनुभूतम्. फिलोसोफाइजेशन इति यद् भवति यदा यथा दार्शनिकीकरणं तेषां चिन्तने भवति पाश्चात्यानां तद्धिया सा संगोष्ठी प्रवर्तते स्म. इयं या संगोष्ठी यो दिनात् प्रभृति प्रवर्तमाना आस्ते सा अस्माकं या चिन्तन परम्परा वर्तते अस्माकं या चिन्तन पद्धतिर्वर्तते तां पद्धतिं तां परम्पराम् अवलम्ब्य प्रवर्तते इति कश्चन विशेषः वर्तते. यथा आचार्यवर्यया शशिप्रभाकुमारवर्यया दीप्तित्रिपाठीवर्यया च उक्तं यद् भाषा एव अस्माकं प्रत्यभिज्ञा वर्तते. भाषा हमारी पहचान है. भाषैव बन्धयति, भाषैव स्वतन्त्रयति. या भाषा अस्माभिः उच्यते तस्यामेव अस्माभिः स्वकीयं स्वराज्यं प्राप्तुं शक्यते. यदा यदा वयं स्वकीयां भाषां वदामः तदा तदा स्वकीये स्वराज्ये वयं स्थिताः भवामः. यदा वयं परकीयां भाषां वदामः तदा तदा वयं पारतन्त्रे स्थिताः भवामः. एतदेव अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्वराज्यस्य मम लक्ष्यम्.
स्वकीयं स्वकीय वाचम अस्माकं स्वराज्यस्य स्थापनम्। आचार्य भवतां ध्वनिः न श्रूयते सम्यक्। भवतां ध्वनिः संभवतः काचित् त्रुटिः संजाता मध्ये, तद् ध्वनिः न श्रूयते भवताम्। न श्रूयते। मैं पहले वैदिक वंदना से प्रारंभ करती हूँ। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमन्नाम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओ इन्द्र, बेस्टाउ ऑन अस द बेस्ट ऑफ ट्रेजर्स, द एफिशियंट माइंड एंड द ग्रेट ब्रिलियंस, द अबंडेंस ऑफ वेल्थ, द हेल्थ ऑफ बॉडीज, द स्वीटनेस ऑफ स्पीच and the fairness of days, and may we study together and our study be illuminating, and may peace prevail everywhere. Namah sabhabhyah sabhapatibhyascha. Main sabse pehle IIAS ke nideshak mahoday Dr. Professor Makarand Paranjpe ji aur is sangoshthi ke sanyojak adarniya Professor Rajveer Sharma ji ke prati अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कुछ मनन चिंतन करने का सुअवसर प्रदान किया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस सत्र में अध्यक्षता के रूप में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी विराजमान हैं। उनके समक्ष अपनी बात कहना बहुत ही सम्मान का विषय है। मेरे साथ सहभागिनी है प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी, ये भी एक बहुत ही सुखद संयोग है। मैं आप सबके प्रति जो यहाँ विराजमान हैं इस श्रोतृवृंद में, एक से एक बड़े विद्वान, कल भी हमने उद्घाटन सत्र में जिन लोगों के विचार सुने उन सबके प्रति प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात हिंदी में कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने जो इतना बृहत और बहुत ही गहन रूप से विश्वविचारित जो आपने कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया है उसमें शायद ही कोई पक्ष अछूता रहा हो, और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो सब इसमें आ गया है बीज रूप में। और वहां आपने मीडियम की बात की है, भाषा की बात की है। प्रोफेसर त्रिपाठी की तो शायद पितृभाषा शैशव से संस्कृत रही है, मातृभाषा मेरी मातृभाषा पंजाबी है, और क्योंकि सारी संगोष्ठी अंग्रेजी में चल रही है, लेकिन आपने ही अपने कॉन्सेप्ट नोट में एक वाक्य लिखा है, वी कैन नॉट गो ऑन टॉकिंग इन इंग्लिश अबाउट डीकोलोनाइजेशन। तो जो बातें मैं कहना चाहती हूँ मुझे लगा कि मैं शायद हिंदी में कहूंगी तो वे बातें मेरे हृदय से निकलेंगी, इसलिए मैं अपने विचार हिंदी में व्यक्त करने में भी बहुत ही गौरव अनुभव कर रही हूँ। अभी अभी प्रातःकाल अपनी टिप्पणी में मकरंद जी ने जो बात कही वहीं से मैं शुरू करती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वराज्य मूलतः एक भाव है, एक अवधारणा है, एक मानस संप्रत्यय है, अतः उसे वैचारिक कहना भी मेरी दृष्टि में अनपेक्षित है, क्योंकि वैचारिकता तो उसमें स्वरूपतः अनुस्यूत है, व्यावहारिकता उससे अनुमित होती है। और जैसा कि हम जानते हैं स्वराज्य का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है स्वेन राजते सह स्वराज तस्य भावः स्वराज्यम्। तो स्वराज्य एक भाव है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो भाव है हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, हमारे चिंतन में भाव
मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं। ये भाव कैसे मूर्त हो सकता है, कैसे आकार ले सकता है, इस पर वैदिक पृष्ठभूमि में मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। तदनुसार स्वराज्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने अंतस्तल के सभी पक्षों से स्वयमेव सुदीप्त रहता है, उसे किसी बाह्य आलंबन की अपेक्षा नहीं रहती। इसका ये अर्थ नहीं कि वो सर्वथा स्वकेंद्रित और स्वार्थी हो जाता है, अपितु पहले वो अंदर से स्वराट होगा, तभी वो आसपास भी प्रकाश, क्योंकि भारतीय संस्कृति हम जानते हैं प्रकाश के प्रति हमारे मन में, हमारे अंतस्तल में एक सहज अभीप्सा विद्यमान है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उद्वयम् तमसस्परि स्वह पश्यन्त उत्तरम्, देवम् देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम। गायत्री मंत्र ले या और भी इस प्रकार के, तच्चक्षुर देवहितम् पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। तो प्रकाश के प्रति ये जो अस्पृहा है वो भारतीय जनमानस की एक सहज अभीप्सा है। उस दृष्टि से स्वराट की जो अवधारणा है वो मेरी दृष्टि में व्यक्तिनिष्ठ है, और जब एक एक व्यक्ति स्वराट होता है तभी समष्टि में स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। ऋग्वेद काल से ही स्वराज्य की अवधारणा वैदिक चिंतन में पाई जाती है। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है, अनेक सूक्त हैं इंद्र को संबोधित। इस सूक्त का भी तकनीकी दृष्टि से नाम इंद्र सूक्त ही है, लेकिन इसे स्वराज्य सूक्त भी कहा जाने लगा। पहले मंडल का 80वां सूक्त, जो 1 से 16 तक के मंत्र जिनमें इंद्र की स्तुति है, किंतु स्वराज्य के प्रति इसमें अनेक बिंदु उभर कर आते हैं। आधुनिक युग में स्वराज्य पद का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के 6 समुल्लास में किया है। वैदिक स्वराज्य सूक्त एवं अन्य सूक्तों में जो स्वराज्य के विषय में मंत्र आते हैं उनसे जो बिंदु उभर कर आते हैं, इन बिंदुओं का विवेचन ही प्रस्तुत आलेख के माध्यम से किया जाना अभीष्ट है। कल जैसा कहा गया और जो 2-3 व्याख्यान हुए उनसे स्पष्ट हुआ कि स्वराज्य एक बहुआयामी संप्रत्यय है। इसकी व्याख्या अनेक दृष्टियों से संभव है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक या भाषिक इत्यादि। वर्तमान संदर्भ में इसे प्रायः राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जाता है, किंतु मेरा विचार और अभीष्ट इसके दार्शनिक या तात्विक पक्ष का प्रकाशन है, क्योंकि शीर्षक से ही ये संगोष्ठी वैचारिक स्वराज्य पर केंद्रित है। आत्मनिर्भर भारत की पृष्ठभूमि में जो ये संगोष्ठी आरंभ हुई है कल, इसकी चर्चा यदि आध्यात्मिक या तात्विक दृष्टि से न की जाए तो स्वराज्य के वैचारिक पक्ष की कल्पना करना निराधार होगा। भारत की आत्मनिर्भरता भी 2 प्रकार से हो सकती है, अंतरंग या बहिरंग। क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र की विद्यार्थी नहीं हूं, अतः इस प्रकार का विभाजन मेरे लिए बहुत ही सहज होता है। इस दृष्टि से जो अंतरंग व्याख्या है वह आध्यात्मिक व्याख्या होती है, और वेद मंत्रों की ये दोनों व्याख्याएं व्यावहारिक और पारमार्थिक या आध्यात्मिक ये बहुत ही सुप्रचलित हैं। वैदिक चिंतन में ये दोनों दृष्टियां तो उपलब्ध हैं ही, अन्य अनेक नूतन व्याख्याएं भी संभव हैं। वेदार्थ की कोई इयत्ता नहीं है, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो इंद्र भारद्वाज संवाद है उसमें कहा गया है, अनंता वै वेदाः। तो वेदार्थ अनंत हो सकते हैं, एक दृष्टि वो है जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक दृष्टियां हो सकती हैं, व्यक्त भी की गई हैं और व्यक्त की जा सकती हैं। तदनुसार ये जो स्वराज का विचार है ये अनेक वैदिक ऋचाओं में मुखरित हुआ है और अनेक उपनिषदों में भी इसका पल्लवन हुआ है। इदम प्रथमतया उल्लेख्य है कि वैदिक दर्शन में स्वराज्य की अवधारणा व्यष्टि परक है। इसकी आधार भित्ति निम्नलिखित वैदिक सिद्धांत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कल मकरंद जी जब सद्गुरु के साथ हुए अपने संवाद की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक जगत हमारे अंदर है और एक जगत बाहर है। तो वैदिक व्याख्या पद्धति का ये मूलाधार है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है,
और व्यष्टि एवं समष्टि में, व्यक्ति एवं समाज में, पिंड एवं ब्रह्मांड में अंतर्निहित संगति है, तारतम्य है, उसमें किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है, अपितु अंगांगी भाव है। वे पृथक पृथक होने पर भी एक दूसरे से अभिन्नतया संपृक्त हैं तथा परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। यदि राजा को व्यष्टि माना जाए और उसकी प्रजा को समष्टि, तो इस संबंध का बहुत ही सुंदर रूपकात्मक निर्देश यजुर्वेद के 20वें अध्याय के 6 से 8वें मंत्र में किया गया है, जहां अपने अंगों के रूप में वो प्रजा का या समष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो इस यदि इसको कहा जाए कि पिंड में जो सूक्ष्मतया सन्निहित है, वही ब्रह्मांड में स्थूल रूप से उद्भासित होता है। प्रकारांतर से कहा जाए तो व्यष्टि के सर्वांगीण विकास के बिना समष्टि का विकास अपूर्ण ही नहीं, असंभव भी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्वराज्य के द्वारा ही समाज अथवा राष्ट्र में वास्तविक स्वराज्य संभव है। आध्यात्मिक का अर्थ है जो कुछ इस शरीर के, देह के अंदर हो रहा है, वो सब आध्यात्मिक है। एक जो तथ्य महत्वपूर्ण है कि प्रायः स्वराज्य की परिकल्पना जहां भी हुई है वेद में, वो इंद्र के संदर्भ में ही हुई। यद्यपि इंद्र हम सब जानते हैं वेद का एक प्रधान देवता है, सबसे अधिक मंत्र इंद्र के स्तुति में ही कहे गए हैं, किंतु इस शब्द की यदि, क्योंकि हम लोग संस्कृत के जो छात्र होते हैं सीधे उसके मूल पर पहुंच जाते हैं कि ये शब्द बना कैसे है, तो ये इंद्र कौन है, इंद्र क्या है, ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है। और इंद्र शब्द की जो निष्पत्ति है वो इदि परमैश्वर्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परम ऐश्वर्यवान। इंदति परम ऐश्वर्यवान भवति स इंद्रः, जो परम ऐश्वर्य युक्त होता है वही इंद्र है। इस दृष्टि से इंद्र परम ईश्वर परमेश्वर है, क्योंकि उसी के पास सर्वोच्च ऐश्वर्य विद्यमान है। इंदति परमैश्वर्यवान भवतीति इंद्रः समर्थोंतरात्मा आदित्यो योगी वा, ये स्वामी दयानंद ने उणादि कोष वृत्ति में कहा है। युधिष्ठिर मीमांसक इस पर टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं, वो केवल ईश्वर का वाचक नहीं है, वो जीवात्मा का वाचक भी है। इंद्र ब्रह्मांड स्तर पर ब्रह्म का या परमात्मा का, परमेश्वर का वाचक है, और पिंड स्तर पर वो जीवात्मा का वाचक है। इदि परमैश्वर्य संपत्तौ इंदति शासनम करोति इंद्रः अधिपति। अध्यात्म पक्ष में इंद्र आत्मा है, क्योंकि वह इंद्रियों का अधिष्ठाता है। ये जो हमारा शरीर है, ये देव सभा या देव संसद है, और इंद्र इसका अधिपति। इंद्रियां ही शरीर में देवों की प्रतिनिधि हैं। इंद्र की शक्ति से संपन्न होने के कारण ही ये इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्र इसलिए इंद्र कहलाते हैं कि वो इंद्रियों के शासक हैं। इंद्रियां इसलिए इंद्रियां कहलाती हैं कि वे इंद्र की शक्ति से संपन्न हैं। पाणिनि ने भी कहा है कि इंद्र रूप आत्मा की शक्ति से शक्तिमान होने के कारण ही इंद्रियों का नाम चरितार्थ होता है। इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रसृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वा। इंद्र इन सब इंद्रिय रूप देवों पर शासन करने वाला आत्मा है। उसके साम्राज्य में सब देवता निर्विघ्न बसते हैं। इस दृष्टि से अग्नि भी स्वराट है। सायण ने एक मंत्र में जहां जो अग्नि को संबोधित है उसे कहा है वो स्वयं राजमान है। किंतु हम जिस संदर्भ में चल रहे हैं और जिन मंत्रों को ले रहे हैं उनके अनुसार इंद्र स्वराट है। इस पृष्ठभूमि स्वराट का अर्थ है स्वयं प्रभाशील। इंद्र वह आत्मा है, व्यावहारिक दृष्टि से व्याख्या करें तो इंद्र वह आत्मा है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, यानी जिसने अपने आप को जीत लिया है वह सारे संसार को जीत सकता है। अधिभूत पक्ष में इंद्र राजा है, देवों का देव है, अधिपति है, वह शतक क्रतु है, अनंत वीर्य है, उसकी अपेक्षा देह में सब इंद्रियां हीन है। आत्मा रूप में इंद्र उस प्राण से भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है जो इन इंद्रियों से सूक्ष्म एवं व्यापिनी शक्ति है, क्योंकि प्राण यद्यपि इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म है, शक्तिशाली है,
किंतु जड़ होने से वह स्वराज नहीं है। प्राणों का भी प्राण चैतन्यशाली होने से इंद्र ही श्रेष्ठ है, और ये तथ्य हम केनोपनिषद में स्पष्टतः मुखरित होता हुआ देखते हैं। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। प्राण की प्राणन शक्ति अपने आप से नहीं आती है, वो स्वराज नहीं है, उस प्राणन शक्ति का अधिष्ठाता कोई और है, वही इंद्र है, वही स्वराज है। और जैसा कि केनोपनिषद की आख्यायिका में आगे चलकर संपुष्ट होता है, जहां स्पष्ट कहा गया है इंद्रोति तरामिव अन्यान देवान सहयेनत नेदिष्ठम पस्पर्श सहयेनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेति। यद्यपि भौतिकता के उपासक जन प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, अतः उन्हें असुर कहा जाता है, असून रातिति असुरः, किंतु इंद्र तो उस प्राण से भी बड़ा है। ये तथ्य ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में, जिसमें गृत्समद ऋषि ने यह स्पष्ट किया है, गृत्स स्वयं प्राण का वाचक है, मद अपान का वाचक है, ऐसा एक व्याख्याकार ने संकेतित किया है। यस्मान्न रिते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत स जनास इन्द्रः। इसके पीछे एक आख्यायिका है कि असुर लोग वृत्स मद के यज्ञ में पहुंचे और वहां पर इंद्र भी था। इंद्र वृत्स, जैसे ही असुर वहां पहुंचे, इंद्र वृत्स मद की आकृति बनाकर वेश धारण करके वहां से निकल गया, लेकिन असुरों ने वृत्स मद को ही पकड़ा और सोचा कि यही इंद्र है। अनेक मंत्रों में वृत्स मद बार बार यही कहते हैं कि मैं इंद्र नहीं हूं, इंद्र तो वो है जो चला, स जनास इंद्र, इसकी पुनरुक्ति हुई है अंतिम चरण की। हे असुरो, जिसकी सहायता के बिना वीर लोग विजय नहीं पाते, लड़ने वाले योद्धा अपनी रक्षा के लिए जिसे बुलाते हैं, जो सबका आदर्श भूत है, जो अटल शक्ति वाले व्यक्तियों को भी च्युत कर दे, अच्युत अच्युत स जनास इंद्र, वही इंद्र है, मैं तो वृत्स मद हूं, मैं इंद्र नहीं हूं। अर्थात इंद्र की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता प्रतिपादित की गई है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट रूप से भी कहा गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, सवई देवानाम ओजिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः। जैसा मैंने पहले कहा, चारों वेदों में इंद्र देवता मंत्रों की संख्या सर्वाधिक है, 3363 मंत्र इंद्र को संबोधित हैं, और इंद्र के लिए वेद में 14 बार सम्राट पद का, 2 बार ज्येष्ठ राज पद का, 3 स्थानों पर अधिराज पद का प्रयोग किया गया है, अन्यत्र उसे एक राज भी कहा गया है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि स्वराट या स्वराज्य इंद्र के विषय में ही संकेतित है। ये जो इंद्रिय जय की बात हो रही है कि इंद्र, इसलिए इंद्रिय इंद्र और सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, क्योंकि वो इंद्रियों का स्वामी है। अब ये भाव जो शुरू में मकरंद जी की टिप्पणी के उत्तर में मैं कहना चाहूंगी कि ये भाव है स्वराज्य, लेकिन भाव किस प्रकार मूर्त होता है उसे हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है वह वास्तव में स्वराज होता है। आजकल जो कोरोना महामारी के संकट काल में हमने देखा कि कई लोग ऐसे थे जिनकी इम्यूनिटी, जिनके शरीर की जो विरोध प्रतिरोध क्षमता थी वो कम थी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना मनोबल छोड़ दिया। 2 मित्रों को मैं जानती हूँ जिनको हमने खोया, और इसलिए खोया कि वे अपना मनोबल छोड़ चुके थे, उन्होंने ये निराशा का भाव भर लिया था अपने मन में कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, और बहुत छोटी आयु में वे चले गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति अपने मनोबल से भी आगे इंद्र तो आत्मबल का प्रतीक है, और ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि संकट की स्थिति में जिसका आत्मबल सशक्त होता है, और उपनिषद तो घोषणा करते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, आत्मा का ज्ञान भी बलहीन व्यक्ति को नहीं हो सकता, लेकिन ये बल पहलवान वाला शारीरिक बल नहीं है, ये बल आत्मबल है, इंद्र इस आत्मबल से बलिष्ठ है, इसलिए वो स्वराट है। और जब प्रत्येक व्यक्ति स्वराट होता है, वो कब होता है?
जब अपनी इंद्रियों पर शासन करता है, न कि इंद्रियों से शासित होता है। ध्यातव्य है कि इंद्र का उक्त रीति से किया गया विवेचन उसके आध्यात्मिक स्वरूप को सुव्यक्त करता है, जिसके अनुसार वह इंद्रियों का स्वामी यानी सम्राट आत्मा है। ये बड़े रोचक बात है कि परवर्ती काल में भारतीय राजधर्म के विधायकों ने जितेंद्रियता को राजा का सर्वोत्तम गुण माना है। चाणक्य का उदाहरण हमारे सामने है, जो कहते हैं कृत्स्नम ही शास्त्रम इदम इंद्रिय जयः तद विरुद्ध वृत्ति ही अवश्येन्द्रिय चतुरंतोपि राजा सद्यो विनश्यति। ये जो पूरा शास्त्र है मेरा अर्थशास्त्र, ये इंद्रिय जय इसका सार है। जिस राजा ने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की है, वो राजा कितना ही चतुरंत सम्राट क्यों न हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। और इतिहास में इसके भी उदाहरण हम देख सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में कहा, आत्मा जेयः सदा राज्यां ततो जेयाश्च शत्रुः। शत्रु तभी जीत सकता है राजा जब पहले उसने अपने आप को जीता है। अजित आत्मा नरपतिर विजयेत कथम रिपून। जिस राजा ने अपने को ही नहीं जीता, वो शत्रुओं को कैसे जीतेगा। मनुस्मृति में कहा, इंद्रियाणां जये योगम समतिष्ठो दिवानिशम समतिष्ठेत दिवानिशम। क्षमा करें, इंद्रियाणां जये योगम समतिष्ठेत दिवानिशम जितेंद्रियो ही शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। जो जितेंद्रिय है वही प्रजाओं को वश में रख सकता है। इसलिए इंद्रियों के जय में दिन रात राजा को योग करना चाहिए, अर्थात ये शक्ति की, इंद्रियों के जय की शक्ति का संचय करने के लिए उसे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक चिंतन में सन्निहित स्वराट शासक की जितेंद्रियता की परिकल्पना भारतीय परंपरा में सतत सर्वमान्य रही है। ये इस तथ्य का निदर्शन है कि व्यष्टि के स्तर पर वैचारिक स्वराज्य के लिए शारीरिक अनुशासन एवं मनोनिग्रह तो अनिवार्य है ही व्यष्टि के स्तर पर, किंतु समष्टि स्तर पर स्वराज्य की स्थापना के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का स्वराट होना अर्थात इंद्रियों का स्वामी होना सबसे पहली शर्त है। अथर्ववेद में भी इंद्र की अजेयता के माध्यम से आत्मा का इंद्रियों पर शासन संकेतित किया गया है। जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्र के अधीन करके अपने जीवन संग्राम में आत्मा को सेनापति बना लेते हैं, उनकी कभी पराजय नहीं होती। इंद्र के राज्य शासन और सेनापतित्व से जीवन में वह दिव्य आभा और वह शुभ्र द्योति द्योतित होती है कि मानव राजाओं का राजा महाराजा अधिराज बन जाता है। और ये मंत्र है अथर्ववेद के छठे कांड के 58-98 सूक्त का पहला मंत्र, इंद्रो जयाति न पराजयाता। इंद्र जिताता है, वो कभी हराता नहीं है। अधिराजो राजसु राजयातई, वो अधिराज है क्योंकि वो राजाओं में भी राजमान है, जगमगाने वाला है। चरकृत्य ईड्यो वंद्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह। ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में जो कि तीसरे मंडल का 45वां सूक्त है, उसके 5वें मंत्र में इंद्र को स्पष्टतः स्वराट कहकर संबोधित किया है। स्वयुरिंद्र स्वराडसि स्मद्दिष्टि स्वयशस्तरः सवावृधान ओजसा पुरुष्टत भवानः सुश्रवस्तमः। पिंड रूपी यह देह और इसमें बसा इंद्रिय ग्राम, यही आत्मा का अपना राज्य यानी स्वराज्य है। आत्म विजय ही विश्व विजय का मार्ग है, इसमें संदेह नहीं। अतः आत्मा को अपने इस स्वराज्य को अनवद्य बनाना चाहिए। जीवन की यह योग पद्धति ही आत्मा के इस स्वराज्य को वंदनीय बनाती है। इंद्रियों का स्वामित्व तथा मन की दृढ़ता यानी इच्छा शक्ति ही इंद्र का अमोघ वज्र है। इंद्र का अस्त्र वज्र को कहा जाता है, जो उसके आत्मबल यानी निम्न को बढ़ाती है और पाप को यानी वृत्र। कल प्रश्न उठा था वृत्र कौन है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वृत्र मन का पाप है, जिसे निराकृत करने के लिए इंद्र का अमोघ वज्र उसकी इच्छा शक्ति ही है। यही वेद का उद्बोधन है जो निम्न ऋचा में मुखरित हुआ है, प्रेहि अभी ही धिष्णु ही
नते वज्रो नियंसते इंद्र नृम्णं हिते शवो हनो वृत्रं जया अपो अर्चन्ननु स्वराज्यम्। हे इंद्र, स्वराज्य की सतत अर्चना करता हुआ। वही जो बात कल अनुराधा जी ने कही थी कि संस्कृत जानने से अगर शब्दों को हम और सूक्ष्मता से देखते हैं तो कई तथ्य उद्घाटित होते हैं। अर्चन अनु, अर्चन में क्षत्रि प्रत्यय है जो सातत्य का द्योतक है। तो ऐसा नहीं कि एक बार स्वराज्य पा लिया, एक बार स्वराट बन गए तो हमेशा के लिए हो गए। निरंतर ये साधना करनी पड़ती है। इंद्रियों की जय एक बार कर लेने से ही स्वराज्य नहीं हो सकता, इंद्र नहीं बना जा सकता। प्रतिदिन प्रतिपल ये अभ्यास, ये साधना, ये तपस्या चलती रहनी चाहिए। हे इंद्र, स्वराज्य की सतत अर्चना करता हुआ तू वृत्र को मार, यानी पाप का हनन कर, तेरा वज्र कुंठित न होने पाए। नृम्ण ही तेरा बल है, आगे बढ़, अभिगमन कर, परिभ्रमण कर, धर्षण कर, सबको विजय कर। संस्कृत का सौंदर्य देखिए, प्रेहि अभीहि धिष्णुहि। वैदिक राजनीति शास्त्र इस ग्रंथ में प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की बहुत पुरानी पुस्तक है, उन्होंने लिखा है ऋग्वेद के इन 16 मंत्रों में जिस प्रकार स्वराज्य की महान काव्यात्मक अभ्यर्चना की गई है वैसा समस्त राजनीति शास्त्र के वांग्मय में प्राप्त नहीं होता है। इंद्र में शव शक्ति पौंस्य नृम्ण और ओज का प्रभुत केंद्रीकरण है और इसी कारण शविष्ठ बलिष्ठ इंद्र अप्रतिम है। इन मंत्रों में ये स्पष्ट ध्वनि है कि भौतिक उपकरणों से ही स्वराज्य का आधार संपुष्ट होता है। इंद्र के लौह वज्र में अपार घातक शक्ति है। शारीरिक और शस्त्र मूलक शक्ति की घोर अभ्यर्थना इन मंत्रों में व्यक्त कर गौतम राहुगण नामक ऋषि स्वराज्य का उद्घोषक और सत्तावाद का पोषक प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि विल्सन ने यहाँ स्वराज्य शब्द का अर्थ संप्रभुता या सॉवरेनिटी ही किया है। वैदिक चिंतन परंपरा में स्वराट की इस अवधारणा के वैषम्य प्रकाशन एवं अधिक स्पष्टीकरण के लिए प्रायः ऐसा होता है, वेद में द्वंद्वात्मक युगलों का बहुत प्रयोग है, मूर्त अमूर्त रित सत्य तम ज्योति इत्यादि। तो यहाँ स्वराट के साथ जो पद आया है वो है अन्य राट, कि स्वराट वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप अंदर से कांति या दीप्ति प्राप्त की है, लेकिन अन्य लोग, और इसको देवासुर के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद के भूमा प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि आत्मज्ञानी अपने ही स्वरूप में अवस्थित रहता है। आनंद रस का भोक्ता वह स्वराट होता है और जो उससे विपरीत होते हैं, मिथ्या ज्ञानी होते हैं, वे अन्य राट होने से बाह्य विषयों पर निर्भर रहते हैं। स्वराट की भांति उनकी सब लोकों में अकुंठित गति नहीं होती है। ये संदर्भ मैं छोड़ रही हूँ। अंत में एक अन्य बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट करना अपेक्षित है, क्योंकि ये व्याख्या यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से कर रहे हैं स्वराज्य की, तो स्वराज्य का संकेत न करना ये सर्वथा अनुचित होगा, ये विवेचन अधूरा रह जाएगा। वेदों में जिस स्वराज्य की परिकल्पना इंद्र के संदर्भ में, इंद्रिय जय के संदर्भ में की गई, उसी का पल्लवन या परिणमन कहें तो उपनिषदों में स्वराज्य के साथ होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में और उपनिषदों में। इन दोनों में देखने में बहुत ही सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण अंतर, केवल हिंदी में देखें तो एक मात्रा का अंतर है स्वराज्य और स्वराज्य, लेकिन संस्कृत जानने वाले समझ सकते हैं कि स्वराज्य और स्वराज्य में बहुत बड़ा अंतर है। स्वराज्य में स्व राज्य, स्व का राज्य अर्थात अपना, अपनी आत्मा का शासन, आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, न कि इंद्रियां आत्मा पर शासन करें, ये स्वराज्य है। किंतु स्वराज्य में स्व का राज्य, स्व के कई अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों में हुए हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में 3-4 अर्थ दिए गए हैं, अंतो वही स्व, जो अंतिम अवस्था है वो स्व है, स्वरिति आत्म नाम, स्व आत्मा का भी नाम है, स्वरिति ब्रह्म नाम, और अंत में स्वरिति आनंद नाम।
तो स्वराज्य में स्व अर्थात आनंद का राज्य जहां होता है, क्योंकि उपनिषद आनंद की ओर ले जा रहे हैं। अन्नाद से आनंद की यात्रा जो है वही आत्मा के पंच कोशों में अंतिम जो आनंदमय कोश है, तो स्वराज्य वो है जहां आनंद का साम्राज्य हो जाता है। कौशित की उपनिषद में स्वराज्य के स्वरूप का आकलन इस भांति किया गया है और इंद्र से उसको जोड़ दिया है कि इंद्र ने स्वराज्य तो प्राप्त कर लिया लेकिन अभी तक अपने को जाना नहीं। जो बात कल से हो रही है श्वेत केतु उद्दालक अरुणी के संदर्भ में, यावद्ध वा इंद्रः एतम आत्मानं न विजज्यौ तावदेनम असुरा अभिभभूवुः। जब तक इस इंद्र ने अपने को नहीं जाना था तब तक असुर इसे आकर हरा देते थे। स यदा विजज्यौ अथ हत्वा असुरान विजित्य सर्वेषां भूतानां श्रैष्ठ्यं स्वराज्यं परियेति। किंतु जब वो अपने को जान लेता है तो असुरों को मारकर और सारे भूत प्राणियों में श्रेष्ठ होकर स्वराज्य की ओर पहुंच जाता है। यह एवं वेद, यह एवं वेद। यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है कि ये जो देवासुर संग्राम है ये भी कोई वास्तविक संग्राम नहीं था, ये सब रूपकात्मक निर्देश हैं, तथ्य को सार को समझाने के लिए इस प्रकार से बात कही जाती है। उक्त अब मैं आ रही हूं अपने उपसंहार की ओर। उक्त विवेचन के आधार पर यदि वर्तमान व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में वैचारिक स्वराज्य की चर्चा करनी हो तो असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि स्वराज्य का अर्थ अपना राज्य यानी अपनी मर्जी, निरंकुशता, स्वच्छंदता अथवा यथा कामाचार वृत्ति कदापि नहीं है। स्वराज्य का तात्विक अर्थ है अपनी आत्मा को, अपनी प्रवृत्तियों पर, अपनी आत्मा का अपनी प्रवृत्तियों और ऐषणाओं पर साम्राज्य। जब मानव विराट श्रेयों से अनुप्राणित होकर अपने तेज पूर्ण अनुच्छित्त धर्मा व्यथाहीन आत्मा का महत्व अपनी इंद्रियों और ऐषणाओं पर व्यक्त करता है, उस समय वास्तविक स्वराज्य का प्रकटीकरण होता है। भले ही कुछ आधुनिक विचारक इस पृष्ठभूमि को, ये मैंने पहले से लिखा था और आज वो टिप्पणी मकरंद जी के पास पहुंची कि आधुनिक विचारक इस तथा कथित विद्वान इस पृष्ठभूमि को आदर्शवाद कहकर इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, किंतु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि भारत की मूल प्रवृत्ति इसी आदर्शोन्मुख नैतिक स्वराज्य की पोषक रही है। जब आत्म कल्याण का व्यापक रूप जन कल्याण के रूप में प्रकट होता है तो खोखली स्वतंत्रता, भोगवाद, स्वार्थपरता और शोषणवाद के राजनीतिक नारे पीछे रह जाते हैं। प्राचीन भारतीय स्वराज्य परिकल्पना अधिकार परक न होकर कर्तव्य परायण रही है और दूसरों पर शासन करने से पहले अपने पर शासन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब तक अपने अपने स्वराज्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तब तक वास्तविक स्वराज्य की स्थापना नहीं हो सकती। आधुनिक युग में स्वामी दयानंद सरस्वती, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और श्री अरविंद ने भारत को इसी स्वराज्य का संदेश दिया था। यह स्वराज्य पाश्चात्य जगत में प्रचलित स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों से कहीं अधिक गहन, व्यापक और वास्तविक है। भारत हमारे देश का ये नाम है, भारत। कल इसकी ओर भी संकेत किया गया था, प्रकाश की अभीप्सा इस देश के निवासियों का अंतरंग स्वभाव है। ये प्रकाश, आभा या ज्योति कहीं और से नहीं आती, हम में से प्रत्येक भारतीय के अंतस्थल में प्रदीप्त है लेकिन उसका प्रकाशन होना है। यहाँ जन जन स्वयं राजमान है, स्वराज है, इसलिए अपने अपने आलोक से आलोकित होना। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, आत्मदीपो भव, क्योंकि ये ज्योति अंदर है, उसे केवल हमें प्रकाशित करना है। भारत के प्रत्येक प्रांगण में स्वराज्य, यत्र जनाः स्वयं प्रकाशमानः सन्ति, ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश, ऐसी आभा जब आलोकित होगी तभी समष्टि स्तर पर यहाँ वास्तविक स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। इंद्र के प्रति एक स्तुति से मैं अपनी बात समाप्त करूं
उससे पूर्व एक तथ्य और बताना चाहती हूँ कि एक विद्वान पंडित धर्मदत्त की एक पुस्तक जो कि 1920 में गुरुकुल कांगड़ी से छपी थी, उसका शीर्षक ही है प्राचीन भारत में स्वराज्य। उन्होंने स्वराज्य की राजनीतिक व्याख्या की है और बहुत सारे संदर्भ दिए हैं। उसकी प्रस्तावना में वे बता रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से स्वराज्य क्या होगा। प्रजा का सत्तात्मक शासन का ही पर्यायवाचक शब्द स्वराज्य है। स्वराज्य का अर्थ राजनीतिक दृष्टि से डेमोक्रेसी है। उनका कहना है कि आधुनिक विद्वान समझते हैं कि प्राचीन भारतीयों को एकमात्र राज सत्तात्मक शासन पद्धति यानी मोनार्की का ही ज्ञान था, लेकिन भारत में सदा से प्रजा सत्ता के अधीन राज सत्ता रही है और प्रजा सत्तात्मक शासन का ही पर्यायवाचक शब्द स्वराज्य है। जिस राष्ट्र में राज सत्ता प्रजा सत्ता के अधीन है वहां स्वराज्य, और जहां प्रजा सत्ता राज सत्ता के अधीन है वहां परराज्य है। तो ये एक विचारणीय परिभाषा स्वराज्य की आधुनिक युग के लिए हो सकती है। और इसके साथ ही मैं इंद्र के प्रति जो स्तुति स्वराज्य सूक्त में है उसे उच्चारण कर अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। सहस्रम साकमर्चत परिष्टोभत विंशति शतैनमन्वनो नवुरिंद्राय ब्रह्मोद्यतम अर्चन ननु स्वराज्यम अर्चन ननु स्वराज्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना। प्रोफेसर त्रिपाठी आ गए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि प्रोफेसर त्रिपाठी कुछ कहें, मैं निदेशक साहब से एक अनुमति चाहता हूँ भूल सुधार की। और भूल सुधार यह है कि प्रोफेसर शशि प्रभाव कुमार के बारे में दो बातें, हालांकि उनका परिचय तो बहुत लंबा है लेकिन दो बातें मैं कहना भूल गया। एक तो ये कि प्रोफेसर शशि प्रभाव कुमार आजकल श्री शंकराचार्य दीदी आप ही बता दीजिए मैं जी, श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन, हालांकि अब इसकी अपेक्षा नहीं है जी। जी मैंने समय ज्यादा तो नहीं ले लिया, पता नहीं। बहुत अच्छा आपका स्पेशलाइजेशन वैशेषिक का सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये तीन चार बातें मैं कहना भूल गया था। मैंने ये पहली, दूसरी बात तो मैंने कल ही कह दी कि विश्व के प्रख्यात विद्वान विदुषियों में से उनका अव्वल नंबर है जहां तक वैशेषिक दर्शन का सवाल है। प्रोफेसर त्रिपाठी दिख नहीं रहे हैं, कुछ देर के लिए ज्वाइन भी किया उन्होंने और फिर ऋतिका जी कुछ पता है कहाँ है? नेटवर्क की प्रॉब्लम थी जी, ऐसी लग रहा है कुछ, तो हम ऐसे ही करते हैं फिर आगे चलाते हैं इसको। क्यों प्रोफेसर शर्मा, आपका क्या ख्याल है? राधा वल्लभ जी तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी से अनुरोध करते हैं कि आप अपना पत्र पेश करें जी। परांजपे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अजीत जी अभी उपस्थित नहीं है लेकिन उनका भी बहुत बहुत आभार। गागर में सागर समा करके शशि जी ने जो वक्तव्य दिया वो वक्तव्य राजनीति में भी था, वो वक्तव्य दर्शन का भी था, वो वक्तव्य लोक का भी था, वो वक्तव्य व्यक्ति का भी था। तो शशि जी को इसके लिए भूरी भूरी वर्धापन, बहुत आनंद आया।
जो समस्या शशि जी के मेरे साथ भी थी और उस समस्या के प्रमाणभूत यहाँ पर राजवीर जी बैठे हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि आपके यहाँ वार्ते चर्चा का माध्यम क्या होगा, और उन्होंने मुझसे कहा कि अंग्रेजी में बोलिए तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी। लेकिन शशि जी ने अपना मित्र भाव बहुत बढ़िया निभाया, उन्होंने मेरा रास्ता साफ कर दिया और मेरा ख्याल है कि वैचारिक स्वातंत्र्य या वैचारिक स्वराज्य की बात करना स्वभाषा में ज्यादा समीचीन है, इसलिए मैं अपनी बात स्वभाषा में कहूंगी। और स्वभाषा से मेरा यहाँ तात्पर्य केवल हिंदी से नहीं है, स्वभाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। पर आज पे जो विषय चुना है वो इतना विस्तृत है और इतना गहन है और बहुआयामी है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर समाप्त करें ये निर्णय करना अत्यंत कठिन है। मेरा ख्याल है कि मैं कोई पेपर नहीं पढ़ूंगी, हालांकि पेपर लिखा हुआ था जरूर, क्योंकि पेपर पढ़ने में हृदय की बात निकल कर नहीं आती है, और हृदय की बात जब हृदय से कही जाती है तो ही स्पष्ट होती है। ये वैचारिक स्वराज्य का जो हम प्रसंग उठाते हैं तो मैं अपने वक्तव्य को दो भागों में बांटना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि वैचारिक स्वराज्य, इस पर विचार करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, और दूसरा ये कि मेरे अपने विषय क्षेत्र में यानी व्याकरण और भाषा विज्ञान में वैचारिक स्वराज्य का क्या स्वरूप हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम वैचारिक स्वराज्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये स्वीकार करके चल रहे हैं कि हमारे यहाँ वैचारिक स्वराज्य स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी नहीं हो पाया है, 70 से ऊपर ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया वहां। और एक जो प्रवृत्ति शैक्षिक वर्ग में और बुद्धिजीवियों के वर्ग में प्रायः दिखाई पड़ती है वो प्रवृत्ति है भारतीय परंपरा के प्रति तब तक उपेक्षा भाव रखना तब तक कि पश्चिम से उसका अनुमोदन न कर दिया जाए। और पश्चिम जब अनुमोदन कर देता है, पश्चिम जब उसकी पुष्टि कर देता है तो हम उसके बाद बैठ करके अपना गुणगान करना शुरू कर देते हैं, अर्थात अपनी परंपरा को स्वीकार करने के लिए भी हमें दूसरे द्वारा पुष्टि की प्रतीक्षा रहती है। ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके अभाव का परिचायक है। ये क्यों हुआ है इसका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके विषय में जो चर्चा की जाएगी तो वो एक अन्य विषय हो जाएगा, मैं उस पर विस्तार से अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो विषय क्षेत्र यहाँ का चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन ये विषय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं केवल दो प्रमाण आपको देना चाहूंगी। पाणिनि बहुत और पाणिनि प्रमाणभूत आचार्य थे, इसके लिए हम लोग अक्सर ब्लूमफील्ड को कोट किया करते हैं, और मैं ब्लूमफील्ड को कोट करूंगी कि दिस ग्रामर विच डेट्स फ्रॉम समवेयर अराउंड 350 to 250 BC, तिथि पर न जाएं क्योंकि तिथि को लेकर के विप्रतिपत्ति हो सकती है, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। इट डिस्क्राइब्स विद द माइन्यूटेस्ट डिटेल every inflection, derivation, and composition
and every syntactic usage of its author's speech. No other language to this day has been so perfectly described, unquote. ब्लूमफील्ड ने कहा, बहुत अच्छा कहा, जाहिर है कि उसने कुछ पढ़ा होगा। मुझे जो प्रश्न मन में उठता है कि हम ब्लूमफील्ड को तो कोट करते हैं लेकिन हम पतंजलि को कोट नहीं करते हैं। प्रमाण भूत आचार्य प्रांग मुख उपविश्य, और यहां से वो शुरू करते हैं, महता यत्नेन सूत्रान प्रणिनाय तत्र न वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं शक्यम्। तो पतंजलि के जैसा आचार्य, और मैं जब पतंजलि के जैसा आचार्य कह रही हूं तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि पूरे संस्कृत साहित्य के इतिहास में पतंजलि का ग्रंथ एकमात्र ग्रंथ है जिसे महाभाष्य की संज्ञा दी गई है। बाकी सारे के सारे भाष्य लिखे गए हैं लेकिन पतंजलि का भाष्य महाभाष्य कहलाया है, और महाभाष्य इतने बड़े साहित्यिक, और साहित्य से मेरा मतलब है लिखित जो कुछ भी है वो सारा कुछ, इतिहास में अगर कोई एक व्यक्ति और एक ग्रंथ महाभाष्य कहलाया है तो जाहिर है कि उस व्यक्ति के प्रमाणभूतता में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें कोट करना होता है तो हम ब्लूमफील्ड को कोट करते हैं, हमें कोट करना होता है तो हम पतंजलि को कोट नहीं करते। ये है हमारे वैचारिक स्वराज्य का अभाव, अर्थात हमें कहीं ना कहीं मन में कुंठा है, और हम अपनी चिंतन को, हम अपने विचारों की पुष्टि के लिए पश्चिमाभिमुख होकर बैठे हुए हैं कि आप कहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। नासा कहता है कि संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे अच्छी भाषा है। मुझे अफसोस है कि भारत में ये कहने वाले कितने लोग होंगे गिनती नहीं होगी, लेकिन किसी ने आज तक किसी भारतीय को कोट करके ये नहीं कहा है कि ये भारतीय कहता है कि संस्कृत सबसे अच्छी भाषा है और सबसे उपयुक्त भाषा है। दूसरी चीज जो हमारे सामने आती है कि हम प्रशंसा तो बहुत करते हैं। जब पश्चिम प्रशंसा करने लगता है तो पीछे पीछे हम भी गतानुगतिक को लोकह न लोको पारमार्थिक की स्थिति में उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सुश्रुत के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खुल जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ सुश्रुत तो हमारे थे। प्रश्न ये है कि हम अपने ज्ञान को क्यों नहीं इस प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं, इस प्रकार से बता पाते हैं जिससे कि हमारा स्वाभिमान अभिव्यक्त हो सके, हमारा स्वाभिमान उसमें पता चल सके और हमारा स्वाभिमान दिखलाई पड़े कि हमारा ज्ञान है, हम ज्ञानी हैं, हम जानते हैं और हमें इस बात का विश्वास भी है और गर्व भी। तो ये जो एक वैचारिक कुंठा हमारे मन में है, ये बहुत दूर तक इसके लिए कारण है कि हम अब तक वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए, या जिसे आपने स्वराज कहा है, वैचारिक स्वराज प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं इस संदर्भ में कहने की। पहली चीज कि हमारे यहां जो सिद्धांत चले आ रहे थे सामाजिक व्यवहार के, हमारे यहाँ जो सिद्धांत चले आ रहे थे ज्ञान के प्रचार के प्रसार के, हमने उन सिद्धांतों को बिना समझे हुए कह दिया कि ये अंधविश्वास हैं। मैं एक प्रमाण आपको देती हूं। कितने लोगों को आप इकोलॉजी पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे पूरी जनसंख्या को इकोलॉजी नहीं पढ़ा सकते।
तो हमारे यहाँ के चिंतकों ने विचार किया कि जब ज्ञान को आप सामाजिक विश्वास के साथ जोड़ देते हैं, जब ज्ञान को आप सामाजिक व्यवहार के साथ जोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान आपके व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाता है और फिर उसको समझाने की जरूरत, वो आस्था का अस्त्र। तो आस्था को ज्ञान से जोड़ना, और आस्था को जब ज्ञान से जोड़िएगा तो समाज में उस पर व्यवहार किया जाएगा जो समाज के उत्कर्ष का आधार बनेगा। अब मैं एक उदाहरण दे दूं, हमारे यहाँ वृक्षों को देवता कह दिया गया, हमारे यहाँ नदियों को माता कह दिया गया, और आधुनिक आधुनिक इन कोट्स युग में आकर के हमने कहा अरे ये तो अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, वृक्ष कहीं देवता होते हैं, नदी कहीं माता होती है। और परिणाम क्या हुआ उस पर बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। वृक्ष प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, नदियां प्रतिदिन आविल हो रही हैं, और गंगा का शुद्धिकरण पिछले कई दशकों से चल रहा है, आज तक गंगा शुद्ध नहीं हो पाई। तो जन सामान्य को ज्ञान के साथ निरंतर जोड़े रखना, जो व्यवहार का एक अभिन्न अंग बन जाए, ये हमारे यहाँ के ऋषियों की सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। और हमने इस स्ट्रैटेजी को समझा नहीं, हमने इसको अंधविश्वास का नाम दे करके उसका परित्याग कर दिया। कल पांडुलिपियों की चर्चा हुई, राकेश सिन्हा जी ने पांडुलिपियों के विषय में बड़े विस्तार से बात की। साथ मेरा संबंध थोड़ा सा निकट का रहा है, क्योंकि भारतीय पांडुलिपि मिशन की मैं अनेक वर्षों तक निदेशक रह चुकी हूं, इसलिए पांडुलिपियों की भारतीय परिस्थितियों में दुर्दशा को प्रत्यक्ष भोगने का मुझे अवसर मिला है। मेरी भाषा के लिए थोड़ा क्षमा करेंगे, क्योंकि ये चीज मेरे हृदय से निकल रही है और हृदय को बहुत पीड़ित करती है। भारतवर्ष में पांडुलिपियों की जो दुर्दशा है उसकी मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रही हूं और मैं उसकी गवाह। प्रश्न ये नहीं है कि दुर्दशा रही है, प्रश्न ये है कि उस दुर्दशा को बदलने का यत्न नहीं हो रहा, और यत्न नहीं हो रहा है, लेकिन हम पांडुलिपियों के महत्व पर जब चर्चा करनी होती है तो शब्दों का प्रयोग करके और निश्चिंत तो हो जाते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता कहां से आएगी। मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष की कम से कम 5,000 वर्षों की ज्ञान परंपरा उन पांडुलिपियों में निहित है, जिनको बिना खंगारे हुए हम वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। वैचारिक स्वतंत्रता के लिए हमें अपनी परंपरा से जुड़ना, मैं ये नहीं कहती हूं कि अंधानुकरण किया जाए, मैंने कभी पोषण नहीं किया है कि अंधानुकरण किया जाना चाहिए, लेकिन अनुभव प्रसूत ज्ञान से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ने का यत्न तो कर ही सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे। इसको नहीं करने के पीछे दो कारण है, एक कि वह ज्ञान परंपरा जिस भाषा में है उस भाषा के प्रति हमारे मन में आदर नहीं है। हम संस्कृत की प्रशंसा तो करते हैं लेकिन ड्राइंग रूम में प्रशंसा करते हैं, अपनी संतति को संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। और मैं विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ लगभग 40 वर्षों तक जुड़ी रही और मैंने ये पाया कि भाषा विज्ञान, और मैं अब मुख्य विषय पर आऊंगी क्योंकि भाषा विज्ञान मेरा अपना विषय है, तो भाषा विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है जो भारत के साथ पश्चिम के संपर्क में आने पर उदित हुआ। सर विलियम जोन्स को कहा जाता है कंपैरेटिव फाइलोलॉजी का उद्भावक, 1786। भाषा विज्ञान वहां से आरंभ होकर के आज कहां तक पहुंच गया,
लेकिन लंदन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स बन गया, जर्मन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो गया, अमेरिकन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स हो गया, कहीं मन में पीड़ा होती है इंडियन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहीं नहीं। और उसका एकमात्र कारण है कि हमने भारतीय चिंतन परंपरा को खंगाला नहीं, उसमें से वो तत्व नहीं निकाले जिन तत्वों को निकाल करके हम भाषा विज्ञान की एक भारतीय परंपरा का विकास कर सकते थे। और वो ऐसी पुष्ट परंपरा होती जो पाणिनि जैसे आचार्य से आरंभ हो करके और आधुनिक युग से मेरा मतलब है कि 17वीं-18वीं शताब्दी तक अविच्छिन्न परंपरा में प्रवाहित होती रही। भाषा विज्ञान का जो स्वरूप आधुनिक युग में आया है वो अत्यंत सीमित है। शब्द तो मन में विकृत आ रहा था लेकिन विकृत नहीं कहूंगी क्योंकि विकृत मूल्य आधारित शब्द है, उस वैल्यू लोडेड टर्म जिसको अंग्रेज कहते हैं, इसलिए मैं उसको सीमित कहूं। सीमित इसलिए क्योंकि हम केवल आकृति का विश्लेषण करके भाषा विज्ञान की बात कर जाते हैं। हम चोम्स्की की बात करते हैं, चोम्स्की कहते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसका स्पष्टीकरण नहीं होता है, सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है तो वो केवल एक अंग्रेजी भाषा को लेकर के चल देते हैं। भाषा पर विचार करने के लिए तो पहले भाषा के स्वरूप को समझना होगा, और भाषा के स्वरूप को समझने के लिए भाषा दर्शन को देखना होगा। हमारे यहां व्याकरण की तीन धाराएं चली हैं, व्याकरण शास्त्र है, व्याकरण दर्शन है और व्याकरण आगम है, और ये तीनों धाराएं एक साथ चली हैं। शास्त्र शब्दों की निष्पत्ति के नियमों को बनाने के लिए बना, लेकिन उन नियमों के साथ भी ये मालूम था कि ये जो नियम बन रहे हैं ये नियम केवल सतही नियम है, और सतही नियमों से भाषा के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता है। कैसे नहीं पहचाना जा सकता है? तो आप आकृति की बात करते हैं, संसार में 3000 से ऊपर भाषाएं हैं, लेकिन भाषा का काम क्या है? भाषा का काम है विचारों की अभिव्यक्ति, और विचारों की अभिव्यक्ति इसका मतलब है कि मानव मात्र के जो विचार हैं वो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए भाषा कहीं ना कहीं जाकर के मानव मात्र के लिए एक धरातल पर आ जाती है। तो प्रश्न ये उठेगा कि हम केवल आकृति की व्याख्या करें, केवल प्रकृति की व्याख्या करें, केवल व्युत्पत्ति की व्याख्या करें, केवल उच्चारण की व्याख्या करें, अथवा उससे आगे बढ़कर के भाषा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। अब जब मैं वास्तविक स्वरूप की बात करती हूं तो मेरा ये मानना है, और जो कि संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले किसी भी बालक का, और हमारे यहाँ बालक का प्रयोग हुआ है जो अन्य शास्त्रों को जानता है लेकिन उच्च शास्त्र को नहीं जानता है, वो बालक है। इसलिए जो दर्शन पढ़कर आया, काव्य शास्त्र पढ़कर आया और अन्य अनेकानेक शास्त्रों को पढ़कर आया लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ा है, हालांकि व्याकरण सर्वप्रथम आद्य ही विद्वांसो वैयाकरण कहा गया, सबसे पहले व्याकरण पढ़िए, भाषा सही होगी तब तो अभिव्यक्ति होगी, अगर भाषा ही सही नहीं होगी तो अभिव्यक्ति कहां से होगी। तो प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरण की बात जो कही गई कि व्याकरण पढ़ने के बाद ही आप दूसरी किसी चीज को पढ़ सकते हैं, तो भाषा का वास्तविक स्वरूप क्या है? कह देते हैं स्ट्रक्चरल ग्रामर है पाणिनि का अष्टाध्यायी, माफ कीजिएगा, यदि अष्टाध्यायी को आप ध्यान से पढ़िए तो उसकी आधी अवधारणा जो है वो अर्थ पर आधारित है, और बिना अर्थ के आकृति की बात
नहीं की जा सकती। दो प्रकार के हमारे यहाँ मूल शब्दों की बात की गई अष्टाध्यायी में की जाती है, प्रातिपदिक और धातु। और उसका लक्षण यदि उठाकर देखिए तो क्या है, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। पहला शब्द है अर्थवद, सार्थकता होनी चाहिए उसमें। प्रातिपदिक वो है जो अर्थवत है, अर्थ से युक्त है, और जो धातु से भिन्न है और प्रत्यय से भिन्न है। अर्थात तीन प्रकार की मीनिंगफुल यूनिट्स हो गई यदि आज की भाषा में कहें तो, तीन प्रकार के अर्थवत यूनिट्स हो गए। कौन कौन से? एक प्रातिपदिक है, एक धातु है और एक प्रत्यय है। यहां से आरंभ करके जब शब्द निष्पत्ति के नियमों की बात करते हैं पाणिनि, तो ये कहना कि वो केवल आकृति का विश्लेषण करते हैं। कर्तुरीप्सित तमं कर्म, कर्म की बात मैंने उसकी का नाम शुरू में लिया, डीप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से अष्टाध्यायी का यदि अध्ययन ध्यान पूर्वक करें तो आप पाएंगे कि विभक्ति है और विभक्ति के साथ कारक। कारक जो है वो आपको दिखलाई कहीं नहीं पड़ता है, दिखलाई विभक्ति पड़ती है, लेकिन बिना कारक के विभक्ति हो ही नहीं सकती है, और विभक्ति के द्वारा कारक की अभिव्यंजना होती है। तो प्रश्न उठता है कि यह कारक क्या है? तो कारक जो है वो नाम शब्द और क्रिया शब्द के बीच का अंतः संबंध है। अर्थात एक ओर क्रिया है और दूसरी ओर क्रिया को करने वाला है, उन दोनों के बीच जो संबंध है वो कारक है। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता को कारक कहा गया है। और क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता को कारक जब कहा गया है, तो मुझे संसार की कोई एक ऐसी भाषा बता दीजिए जिसमें कि क्रिया ना हो, मुझे संसार की कोई एक ऐसी भाषा बता दीजिए जिसमें कि क्रिया को करने वाला के क्रिया हुई। तो ये जो एक अंतःधारा है जहां पर हम इस बात से हमेशा साक्षात्कार करते हैं कि अर्थ जो है वो भाषा का मूल है, और उस भाषा के मूल को अभिव्यक्त करने का साधन जो है वो उच्चरित शब्द है। इसीलिए भर्तृहरि ने बाद में जाकर के दो प्रकार के शब्दों की बात कही है, दो प्रकार के शब्दों की बात कही है, एक उच्चरित शब्द है और दूसरा स्फोटात्मक शब्द है। लोग स्फोट को लेकर के बहुत सारे दर्शन की बातें करते हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक बातें करते हैं। मैं अध्यात्म में बाद में जाती हूँ, पहले लोक सुधरेगा तब तो परलोक सुधरेगा, पहले हम अपने को समझेंगे तब तो हम ईश्वर को समझेंगे, जब हम अपने ही को नहीं समझेंगे तो ईश्वर को कहां से समझेंगे। इसलिए स्फोटात्मक शब्द जो है वो हमारा बुद्धिस्त शब्द है, जिस शब्द से अर्थ की प्रति होती है। पूछिए बुद्धिस्त की जरूरत क्या है? बुद्धिस्त शब्द की जरूरत इसलिए है कि मनुष्य जो बोलता है उसमें शब्द हैं कहां, और जब शब्द नहीं है तो वाक्य भी नहीं है। आप लोगों में से जिन लोगों ने थोड़ा सा व्याकरण नहीं पढ़ा होगा उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, मनुष्य केवल ध्वनियों का उच्चारण करने में समर्थ है, फिजिकल लिमिटेशन है, हम एक साथ केवल एक ध्वनि का एक बार में उच्चारण कर सकते हैं, और शब्द तो ध्वनियों को मिला करके बनता है। जब ध्वनियों को मिलाकर बनेगा और ध्वनियों का हम एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मुझे लग रहा है परांजपे जी घड़ी की ओर देख रहे हैं, और ये विषय ऐसा है जिसमें कि
यदि आपने मुझे कभी अवसर दिया तो मैं भारतीय व्याकरण के अनेक आयामों पर प्रकाश डालने का यत्न करूंगी। चूंकि वैयाकरण हूं इसलिए ये बड़ी सुविधा है कि जहां कहिएगा वहीं रुक जाएंगे और समय का अतिक्रमण करना ये अशिष्टता होती है। मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगी, केवल एक वाक्य से समाप्त करना चाहूंगी और वो वाक्य जो है सिर्फ इतना ही कि भारतीय व्याकरण की परंपरा में भाषा को देखने की जो दृष्टि रही है वो अर्थ से ऊपर उठकर आकृति और आकृति से ऊपर उठकर उच्चारण तक आती है, जो कि भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आधुनिक भाषा विज्ञान ने उच्चारण से अर्थ और उसके बाद तो कुछ देखा ही नहीं, इसलिए भाषा विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां तक भारतीय व्याकरण की परंपरा पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। परांजपे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अनम्यूट करें। अनम्यूट अनम्यूट करें। अनम्यूट है वो, शायद वो सिस्टम जो है वो कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो कान में। अभी नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है आवाज जी। सर, क्या हम कुछ प्रश्न आमंत्रित करें? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। अच्छा, कोई तकनीकी खराबी नहीं। मैं ये दो ही शब्द कहना चाह रहा था कि एकदम अद्भुत अनुभव था दोनों व्याख्यानों को सुनकर। लगा कि पूरा दिन इसको सुनते रहें। मुझे आशा है कि अंत में थोड़ा सा समय हमें मिलेगा चर्चा के लिए। और प्रोफेसर त्रिपाठी से मैं क्षमा चाहता हूं कि आपका वक्तव्य बीच में ही, हम पूरी आपकी बात नहीं सुन पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपको पूरा मौका देना चाहते हैं इस विषय पर बोलने के लिए और इसको हम जल्द ही कोशिश करेंगे करने के लिए। और आपको शायद ये सुनकर खुशी होगी कि हमारे यहाँ पहली बार पतंजलि के महाभाष्य का असमिया भाषा में अनुवाद करने के लिए हमने एक फेलोशिप दी थी और आधे से अधिक काम हो चुका है। ये एक हजारिका साहब हैं, उन्होंने ये काम किया है और मल्टी वॉल्यूम है ये। तो मेरे आने के पश्चात हमने ये फेलोशिप पहली बार इस तरह के काम के लिए दी जो भारतीय भाषाओं में महाभाष्य का अनुवाद हो सके और उस पर चर्चा हो सके। तो हम प्रयास थोड़े बहुत कर रहे हैं और आपने जो पांडुलिपियों के बारे में कहा, कितनी बड़ी त्रासदी है इस देश में कि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उससे ही हम ठीक तरह से वाकिफ नहीं है आज, जबकि हमारे पास सारे साधन है, सारे साधन उपलब्ध है। और जो दीदी ने बात कही वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। जो इंद्र है, इंद्र वही कहलाएगा जो इंद्रियों पर इसका वश हो। और आत्मबल की आपने बात की, स्वराज्य में आत्मबल से मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इससे बड़ी बात हो नहीं सकती जो आत्मबल की जो आपने बात कही। एक जो
पिंड ब्रह्मांड की बात है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक उसमें विचार ऐसा आता है जब कलेक्टिव योग की बात होती है कि हर एक को विराट या स्वराट होने की आवश्यकता नहीं है। समाज में कुछ लोग हो जाए, कोई कहता है 25% हो जाए, कोई कहता है 10% हो जाए, तो पूरे समाज में, क्योंकि जो सामाजिक आत्मा है, एक सामाजिक आत्मा है, एक अपनी व्यक्तिगत आत्मा होती है, तो वो हम इसमें बाद में चलते हैं। अगर सबकी इजाजत हो, राजवीर जी की इजाजत हो, तो हम तुरंत दूसरे सत्र में चलते हैं, और यहाँ से हम 7 मिनट देर चल रहे हैं, तो पहले से ही हम आग्रह करते हैं कि कुछ अपनी बात 30 मिनट के अंदर ही कर दें तो बढ़िया रहेगा। एक मुझे चीज कहनी है सिर्फ, के जब मैं JNU में था, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते थे, तो उसमें मैंने एक एक्सरसाइज में देता था, ये सारे एमफिल PhD के विद्यार्थी थे, कि आप कोई भी एक ग्रंथ लीजिए और उस पर आप विश्लेषण कीजिए कि उसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो क्या होता था कि जब लोग आते थे मेरे पास, कई लोगों के पास कोई आइडिया नहीं थी, तो मैं उनको कुछ सुझाता था कि ये देखिए, ये सीताराम गोयल जी की किताब है, ये राम स्वरूप जी की किताब है, और आश्चर्य ये था कि हाँ कह के जब वापस आते थे तो कोई इन किताबों पे कभी भी एक भी प्रेजेंटेशन नहीं देता था। तो फाइनली एक एक दिन ऐसा आया, तो एक किताब आई थी, हमने कई किताबों का जिक्र किया, उसमें मैं एक किताब का जिक्र करना चाहता हूँ, कॉनराड एल्स्ट की किताब है, डीकॉलोनाइजिंग द हिंदू माइंड, ये इनकी PhD थीसिस है, बहुत अच्छी किताब है। तो फाइनली मैं किसी को मैंने ये असाइन कर दी कि भाई आपको ये करना ही है मेरी तरफ से, हालांकि मैं नॉर्मली कभी भी किसी को इस तरह के असाइनमेंट नहीं देता था, सबको स्वतंत्र था। फाइनली मैंने कहा चलिए आपको ये करना है। उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि मेरा कोर्स ही बहिष्कृत किया गया, इतनी मतलब वातावरण इतना खराब है, हम कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के बारे में कोई बात करें तो इतनी बुरी प्रक्रिया होती थी, कोई कहता था फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फलाना है, कहता था एंटी नेशनल है, इस तरह के मतलब पूरे हमारी जो एकेडमी है विश्वविद्यालयों में ऐसी बातें चलती थी। तो हमने कुछ प्रयास किया, अब यहाँ पे जो वक्ता हैं, रतन शारदा जी को कोई कौन नहीं जानता भारत में, हर रोज वो रिपब्लिक में आपको मिलेंगे या आपको टाइम्स नाउ में मिलेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सबसे अधिक किताबें लिखी है, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक किताब उन्होंने लिखी है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ RSS टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि ये आक्षेप या आरोप लगाया जाता था कि RSS ने कुछ नहीं किया, ये टोटली गलत है, इसके बारे में अभी हमें समय नहीं है, आप तो ये किताब पढ़िए, यही मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है सबसे। लेकिन मैंने उनको ये विषय दिया था कि वैचारिक स्वराज्य में RSS का क्या योगदान है, इस पे बोले। तो कल हमने दत्तोपंत जी की बात करी थी, राजवीर जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करी थी, तो इसी संवाद को हम आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नंद कुमार जी मौजूद है, ये इस सत्र के अध्यक्ष हैं, भारतीय प्रज्ञा प्रवाह के अध्यक्ष हैं, संचालक हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, पहले ही आपने मुझे कहा कि कोई संघ का काम होगा तो मैं आखिरी मिनट में क्षमा चाहता हूँ करके निकल जाऊंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप आए हैं, आप ही सर इसको चलाएं, और समय हमारे पास 1 बजे तक का है, क्योंकि 1 से 2 भोजन का अवकाश है और फिर 2 बजे एक और सत्र शुरू हो रहा है, तो प्लीज मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, हम आपकी बात विस्तार में सुनना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ समय भी कम है, लेकिन ये जो विषय इतना रोचक है कि हम लोग थोड़ा सा घड़ी के पीछे चल रहे हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नंद कुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको आप आगे इसको ले जाइए सर। नमस्ते।
नमस्कार, am I audible? Am I audible? हाँ सर बिल्कुल, yes. Thank you. Someone muted me from there. That's it. Okay. Namaskar, most respected Professor Makarand Paranjpai ji, and also our learned speakers of this session. I don't want to take any time from them. मुझे ये सुनने के लिए मैं आया हूँ. मकरंद जी ने जो कृपा से मेरे को बुलाया था इस कार्यक्रम में, मैं बहुत आभारी हूँ उनसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रतन सारदा जी इज हियर टू स्पीक अबाउट आरएसएस कंट्रीब्यूशन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कंट्रीब्यूशन. एक्चुअली द रियल सेंस ऑफ द वर्ड संघ इज अ थॉट मूवमेंट, आई वुड लाइक टू से. मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट फैक्ट ऑलरेडी. Always Sangha is being interpreted as a, what you say, an organization very much interested in the political thing and all those things, working very much physically, working. Okay, we are seeing, we are what you say, witnessing an organization which is working on the ground in so many of the ways, but actually it is a thought movement. My conclusion is like that. It is to change the thought process, a course correction of our thought process. That is Rashtriya Swayamsevak Sangha. So I think it's an appropriate, very good topic which has been selected by the team IIAS. So that is the first topic to be presented by Dr. Ratan Saradaji. Ratan Saradaji, as Makaranji has already said, that wrote a lot of books on Rashtriya Swayamsevak Sangha, and also in the real sense of the word, of course, there are no ideologues for Sangha other than Pujaniya Sarasangha Chalakji. But still, I would like to call Ratan Saradaji in the real sense of the word. He is doing that ideological, intellectual exercises in the public. And I hope Prabhulji has also joined. I saw him. Prabhulji is going to present the second paper, I think. That is the quest for intellectual Swaraj, bringing a national perspective in media. So I hope this is two papers will be there. And without taking much time, I am requesting and inviting Dr. Ratan Saradaji to present his views on Rashtriya Swayamsevak Sangh's role in the idea of in Swaraj. Ratan ji. Namaskar Nandakumar ji, bahut bahut dhanyawad. Ek majedar baat bata raha hu ki jab maine mujhe pehla vishay aaya mere paas, तो मैंने नंद कुमार जी को पिंग किया कि इसके बारे में आप जरा बताइए. वो कुछ बोले नहीं, और मुझे आज पता चला कि वो यहाँ के अध्यक्ष हैं. तो मेरी बड़ी कठिन एक परीक्षा की घड़ी है ये. नंद कुमार जी के सामने बोलना, ये अपने आप में एक मूर्खता का प्रयास है, मानता हूँ ऐसा. और मैं मकरंद परांजपे जी का बहुत बहुत आभारी हूँ. ना तो मैं एकेडमिक हूँ, ना मैं विद्वान हूँ. उनका स्नेह है जो मुझे इस कैटेगरी में लाके बिठाया है. और मैं जब देखता हूँ मेरे आसपास के विद्वानों को, तो मुझे शंका होती है कि मैं सही जगह पहुँचा हूँ क्या. कोशिश करूँगा. राजवीर जी का भी धन्यवाद, और प्रफुल्ल जी मेरे सहयोगी हैं. जो कुछ मुझसे नहीं हो पाया होगा उसको प्रफुल्ल जी कवर करेंगे. इसके साथ मैं विषय शुरू करता हूँ. विषय की शुरुआत ऐसे करूँगा कि गुरु जी ने स्वराज्य के बारे में क्या विषय रखा था 1950 में. इसको मैं कह सकता हूँ कि इट इज अ फाउंडेशनल एक्सपोजिशन ऑफ वैचारिक स्वराज्य. श्री गुरुजी सेड, लिबरेटिंग आवर इंटेलेक्ट फ्रॉम द वैल्यूज संस्कारास ऑफ अदर कंट्रीज एंड इवॉल्विंग अ सिस्टम दैट इज तंत्र ऑफ ग्रोथ विद आवर ओन फीलिंग्स एंड विल इज स्वतंत्र सिस्टम बाय सेल्फ बट अ सिस्टम विच इज बॉर्न थ्रू इग्नोरिंग आवर हिस्ट्री बींग स्लेव्स ऑफ इंटेलेक्ट ऑफ अदर्स इंस्पायर्ड बाय अदर सोसाइटीज विल नॉट बी स्वतंत्र इट विल बी परतंत्र. A system based on Russia's direction will be Russian Tantra, not Swatantra. A system inspired by politicians of England under their guardianship or support would be England system. A federal system created with inspiration of free America would be American system, not Swatantra. So this very well defines the very fundamental ideology of Vaicharik Swarajya. I would say that Bharat had been wonderful Vaicharik Swarajya that survived when Mughals and British rules till Macaulay's project of education settled down and finally corrupted our thinking process. Bharat still did not give up. Our independent, free-flowing intellect was actually subdued by our own people after independence.
New leadership adopted Macaulay wholesale and to add to that poison potion, introduced the fetal dose of communism. Why do I say so? Sometimes I do believe that far too long we have passed on our problems to Macaulay. Because till last generation, we had close links with Bharatiya genius. The academic content injected by left was not allowed the new generation to break free from the colonial model of education. In fact, made it fatal. Communists hate dharma, religion, spirituality in general. Guided by Marx, who had condemned Bharat without ever visiting it, their loyalty to the ideas and leaders outside Bharat, their conviction that Bharat was never one nation but a nation brought into being from 17 nations by British, and all this clearly was a recipe for intellectual ecological disaster. While a lady from outside Bharat, Annie Besant, supported Madan of Malviyaji for founding Banaras Hindu University as an island of Renaissance, there were others pushing for following the Great Britain order. She argued, Hindu polity is built on its religion. You have not only the Vedas and Upanishads showing mighty intellect, you find the very foundation of modern science laid down as a part of Hindu philosophy. Her strongest message, however, was that while the jewels of Western learning must come to India, the diamond of the Eastern faith must also be given its due. If you go back a little, the slumbering Indian mind was awakened a few years earlier by Swami Vivekananda, his disciple Bhagini Nivedita, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, famous trial of Lal Bal Pal, Maharshi, Aurobindo, and Veer Savarkar. Veer Savarkar went to the extent of challenging the very concept of Bharat's nationhood and its freedom struggle. To quote Bhagini Nivedita, the whole history of the world shows that Indian intellect is second to none. This must be proved by the performance of a task beyond the power of others, the seizing of the first place in the intellectual advance of the world. Is there any inherent weakness that would make it impossible for us to do this? Are the countrymen of Bhaskaracharya and Shankaracharya inferior to the countrymen of Newton and Darwin? We trust not. It is for us, by the power of our thought, to break down the iron walls of the opposition that confront us and to seize the enjoy the intellectual sovereignty in the world. So intellectual sovereignty was defined by Bhagini Nivedita long back. Even Gandhiji was not a friend who was friendly with British and not really Christian against Christian theology, was uncompromising about Bharati concepts and chose Ram Rajya to define what kind of society and government we want. As an independent nation, he was once asked, what do you think of Western civilization? He replied, I think it's a good idea. It gives an idea of what Gandhiji thought. Gandhiji again visited the subject when he talked about Ram Rajya in 1937 and after 29, when he states, by political independence, I do not mean an imitation of British House of Commons or Soviet rule of Russia or the fascist rule of Italy on the Nazi rule of or the Nazi rule of Germany. They have systems suited for their genius. We must have ours suited to ours. What that can be more than I can tell. I have described it as Ram Rajya, sovereignty of the people based on pure moral authority. Again, on the eve of India's independence, Gandhiji opined in 1947 on the civilizational idea. There can be no Ram Rajya in the present state of iniquitous inequalities in which we few roll in riches and masses do not get even enough to eat. Unfortunately, one false step by Gandhiji in choosing a successor imbibed in Western culture, whose entire education and cultural upbringing was in the hands of British and Scottish teachers, derailed this great march towards a proud independent nation. In the every sense of word, not just politically independent, but also intellectually independent with roots deep in Bharatiya Sanskriti, Itihas and Parampara. The choice was not right was apparent as soon as Nehruji got official stamp of approval from Gandhiji. Although most leaders rooted in Bharatiya soul rejected him, his distaste for Gandhi's ideas were very clear. He was wedded to communist theology as is clear from his courtship with Comintern in England and commitment to socialist and communist models later on. He used to be called the professor by his comrades in UK. He moved away from everything Gandhiji stood for except Khadi dress. He betted on centralized planning, big capital intensive industries, which was opposite to the rural based decentralized economy and stress on small industries. His agnostic socialist state was opposed to the idea of Ram Rajya, looking at it as some religious construct. He dropped all the pretensions of being a Gandhian, detaching himself from Gandhian legacy of intellectual Swaraj. To understand his intellectual weakness for the West narrative,
one has to go through a his much acclaimed book Discovery of India, which sort of became the anthem for communist and many others as the true history of India. I am not on the Nehru bashing spree here, but I would just like to define the point from where we diverted from the path shown by the great thinkers mentioned earlier. His Discovery of India exhibits his sense of unease and non-familiarity with Bharat's Hindu or Bharatiya past and reluctance to accept the Hinduness as the root of Bharat or Bharatiyata. While expressing awe of the Harappan Mohenjo-daro, he notes, but what we know thus far is that is of most utmost significance. He says the Indus Valley civilization as we find it was highly developed and must have taken thousands of years to reach that stage. It was, surprisingly enough, a predominantly secular civilization, underlying secular civilization, and religious element, though present, did not dominate the scene. Did he mean it was a Nidharmi civilization, or that it respected all faiths? Since there were no other faiths, he probably meant the former, or Nidharmi civilization, though he says, but taken as a whole, their religion is so characteristically Indian as hardly to distinguish between still living Hinduism. We can see the confusion apparent. Then he goes on to say, Dravidians were probably representative of the Indus Valley civilization, but his Western prejudice overtakes him again, and he says, it is odd to think India, her caste system and exclusiveness, having it this astonishing inclusive capacity to absorb foreign races and cultures. I can go on and on, but since time is not enough, I will not get much into this. But ambivalence about the Indian civilization or Hindu culture is obvious when he says, Buddhism and Jainism were certainly not Hinduism, or even the Vedic Dharma. Yet they arose in India and were integral part of Indian life, culture and philosophy. A Buddhist or a Jain in India is 100% product of Indian thought and culture. Yet neither is a Hindu by faith. It is therefore entirely misleading to refer to Indian culture as Hindu culture. But he later says, after some pages, these two religions were born out of Vedic thinking. So he says, this is also, I think, important, so I'm quoting it. He claimed that ancient world literature was lost because it was originally written on palm leaves or bhojapatra, the thin layers of bark of the birch tree, which peels off so easily, his words. Never once did he say that they were destroyed by invaders. But he is presumptuous enough to claim possibly much of the literature of materialism in India was destroyed by the priest and other believers in orthodox religion during subsequent periods, and all these claims are without any material evidence. He talks of Nalanda University, but he does not talk of his destruction and destruction of his millions of manuals. Is this the root of current negationism that has arisen from this viewpoint? That I want to understand. He practiced yoga, but how did he describe yoga? An experimental system of probing into psychical background of the individual, not as a highly refined spiritual and physical exercise. I would rather say spiritual. He says Mughals looked at India as their home country and had no other affiliations. India continued to be independent country, very important. The coming British made a vital difference and old system was uprooted in many ways. Is this the root of current arguments of negationism or invaders' atrocities? Are we saying that only British exploited Bharat and Mughals, though there is enough evidence that Turk documents that huge wealth was taken away by the Arab lands? Coming to his assumption as a prime minister, he says in Tryst with Destiny speech, at the stroke of midnight hour when the world was sleeps, India will awake to life and freedom. Why was midnight chosen? It's a question I asked myself. Was it auspicious time in India, which is supposed to be the morning time? Or was it because British were comfortable in the evening time when he would declare his speech? And he makes a very wonderful observation in the speech. To quote, at the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of the quest of forgotten ideals, which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. Then what went wrong? Why was a self-discovery given up after 15th August 1947? He could have spoken in Urdu or Hindi, but he chose English.
illiterate masses were not addressed. Was he addressing on the elite class, which was hardly 0.5%? So we see that on the 14th August midnight itself, we had entered a period of intellectual colonialism. However, amid all this confusion, RSS had a clear sense of nationhood, which was not inspired by the West. The wonderful ideas have been expressed very well by renowned thinker and I would dare say ideologue Sri Ranga Hariji. In his book called Bharat ke Rashtratva ka Ananta Pravah, he talks about Rashtra since the time of Vedas. In all his entire thesis, he doesn't once refer to any Western scholar, Western book or Western idea. So he's very clearly talking of the nationhood as defined by Bhatiya perspective. Unfortunately, no Indian scholar has worked on the particular point. He talks about 8 kind of working of states in Aitareya Brahman, and quotes from Aitareya Brahman. And he reminds us that Mahabharata was the first time when India, Bharat was called Bharat. Hariji quotes Atharva Veda, where he states that a human being living in this landmass considered himself or herself as a child of Mother Earth, considered her as Mother. Mata Bhumi Putroham Prithviya. She takes care of all the human beings, animals, and other living beings. Thus, he respects and loves this nation, Bharat. Hariji goes on to say that since this relation with the nation is that of mother and son, we should not call it patriotism, but matriotism. Matri Bhakti is not Pitri Bhakti. Matri Bhakti rather Pitri Bhakti. As we know, we call our land as Matrubhumi, while West generally calls it fatherland. Then tracing the progressive evolution of sense of nationhood of India, Ranga Hariji says that the sense of nation is based on emotions, not based on greed or competition. It's peaceful, not reactionary. It is evolving structure of human society. Western nationalism rose out of rebellion against uncontrolled, overreaching Protestant fights, economic ambitions, and a reaction against rising wave of Islam. Colonial ambitions gave this competition more impetus. Overall, European nationalism was based on reaction and to more many conditions and urge to for economic control and domination. This lack of intellectual clarity had resulted in Congress not accepting the goal of freedom till 1929, full freedom. The vehicle of freedom was settling for dominion status. At the time, Dr. Hedgewar, Keshav Baliram Hedgewar, the founder of RSS, who was member of Congress, he saw the place of Bharat in the global order. He presented a resolution in 1920. He said, goal of the Congress is to achieve complete freedom, establish Indian Republic, and to liberate the other nations from the world from exploitation and atrocities of the capitalist imperialism. This is the view of Bharat as a leader in liberating people against exploitation and capitalist imperialism. It was in line with our ancient dictum, Vasudeva Kutumbakam. Hence our responsibility as an ancient nation to help others. It was a visionary statement rooted in Bharatiya thought. But Nehruji chose to go with the Western idea of separation of church and executive. In this effort, he advocated adharmic state instead of a state that respected all faiths and treated all the citizens as equal. This was a typical salute to the Western worldview. But on the other hand, we can see a sense of clarity about Bharati or Hindu ethos in the members of Constituent Assembly. A firm Bharatiya belief that we do not need words like secularism and socialism. Dr. Ambedkar was against both the ideas, because socialism would have tied us down for coming generation to a system that they would like or dislike to adopt. Development across the world tells us the big mistake would have been if you look at what happened to socialism. The Constituent Assembly had feet firmly on the ground and head held high in the sky to recognize that secularism was understood by us as a society was far superior to the concept of British educated about us. At the same time, by adopting a confusing term like India, that is Bharat, instead of accepting timeless name of our nation, Bharat showed lack of confidence in letting go and colonial oppressing. I would rather say India. Our urge to copy the Western model while creating constitution led to defining our nation as union of state with federal constitution, though we are not a nation brought together by federal contract like USA. We were reluctant to break away from the colonial past reflected in India's readiness to join Commonwealth, which was nothing but a club to celebrate slavery of colonized nations by British. Sanskrit was the ideal link language. Dr. Ambedkar advocated it.
but it was rejected. And English, which at that time was hardly spoken by 0.5% of Indians, mostly officers elite, that was adopted. And we see what is the condition today. However, there was a school of intellectuals strongly tried to ensure Indian national culture. It shows in various matters. Our nation's center theme is Satyamev Jayate. Ashok Chakra became part of our national flag and also the currency. Legend behind Lok Sabha speaker is Dharma Chakra Parvartanaya. Supreme Court High Chair defines as Yato Dharmastato Jayah. Navy theme is Shanno Varunah. Air Force theme is Nabha Sparsham Deeptam. Army Medical Corps is Sarve Santu Niramaya, and so on. Rajya Sabha gate says Vasudeva Kutumbakam. And there are a lot of such shlokas and golden verse on the domes of Lok Sabha, Rajya Sabha. Our missiles, armaments reflect the same. However, the real colonial mindset was set in concrete with education policy crafted by Nehru and Congress, and it was further established by JNU and nurtured by Marxist. It set the stage for the forced induction of English. Here, I would just like to mention that I read long years back L.K. Advani's article about the argument against English being adopted in England as the language of the nation against Latin that was current in England. The arguments given by the Latin speaking elite was same as being given today by the English speaking elite against Hindi. This particular education system began to show impact after three generations passed through this education system. It has hurt us hard after post RT generation came out, ingrained the Marxist written syllabus that delinked his or her mind from Indian ethos totally, especially in urban centers and English medium schools, the so-called millennials. If you try to explain any point to them, their reaction is whatever, whatever. It is irrelevant because their intellectual capability is stunted with deadening syllabus and methodology. RSS stood against this colonial mindset. RSS stood firm not to let the situation turn hopeless. It stuck to its guns. It refused to be overwhelmed by strong Nehruvian and left-inspired narrative based on non-Bharati philosophies. The first step to avoid colonizing was to stick to our own terminologies. Guruji, all three speeches used to say that we must discuss our issues in our terms, in cultural sphere, and don't find English equivalents because there are none. He may not have used the word non-translatable or untranslatable that has been recently introduced by Rajiv Malhotra, but he was very clear that we should not use Western and English words because they do not project the same sense and knowledge. He would always insist on using words like Dharma, Sanskriti, Rashtra, Bharat, Yajna, etc. He fought against outdated practices like casteism, but in our own terms, with persuasion, discussions, not antagonist approach. His ability to convince all the Shankaracharyas during Vishwindu Parishad convention to come out of this mindset of casteism is remarkable. RSS was founded by a person who had fought British from his very long days, young days, though every possible means, including violent revolutionary organizations or non-violent Congress. He had excellent relations with Hindu Mahasabha also, but he had typical bipartisan Hindu mind. When somebody asked him whom do you prefer, Savarkar or Dr. G, he said it's a wrong question because if you ask me whether Mogra is good or Gulab is good, both are beautiful, both have their own fragrance. So he was able to adjust any of them. The creation of non-political organization by first preparing battle-worthy citizens with a non-political organization for expressly, supposedly political purpose, though I don't think so, for freedom from British was a break from traditional thinking of Indian political leaders and intellectuals. He did not compromise. He said, unless the people are strong, nothing will work. When he offered Satyagraha and went to jail, he told his followers clearly that going to jail alone will not bring independence. We need society to work. He had no delusion when a leader talked about freedom in 1 year, even though it participated in 1920 and 30 agitations. He identified the problem of Bharat as amnesia about our great history and culture and knowledge and highly divisive Hindu society that is divided on every possible issue of caste, language, region, sect, and religions. They had slavery colonized their mind due to excellent effort of the British. Such was the loss of pride that great intellectuals and leaders used to say, call me anything but Hindu. Hence, solution was to repair the root cause, unite the Hindus. He realized that only solution was strengthening Hindu society
and was a positive approach to India's weakness, not born out of hatred or reaction. Patient had to be cured. This was the unconventional long-term approach of Ayurveda and meditation. In a meeting when speaker said, who says this is Hindu Rashtra? Dr. Hedgewar stood up and said, I, Keshav Baliram Hedgewar, proclaim this is a Hindu Rashtra. He broke the self-created illusion of Hindu society of being a dead society that happily had accepted slavery as its fate. This proclamation of Hindu Rashtra when being Hindu itself had become an abuse showed his refusal to accept any established and internalized imported ideas. Approach of RSS is a fine example of Swaraj in thinking, progressive creation of flexible organization that outlived all Western models of mass social organization. It is not a closed steel structure that many imagined, nor is it copied by any existing model anywhere in the world, but a purely Bharatiya construct. The organizational science that evolved from RSS over years of working needs multiple researches. Shri Guruji used to say that we are organizational scientists. How many social scientists can indicate an organizational model that is seemingly closed, but actually it is an open architecture? Who can add more and more elements and still not lose its vitality or focus? And interestingly, no other organization has managed to replicate it yet, because it requires immense human efforts, human relations, not just intellectual heft, to build such an organization. Many of the ideas of RSS organizational science have become current later. This idea of emotional quotient was existing in RSS even before the term was coined. In fact, it is at the heart of its own working. Peter Salovey and John D. Mayer coined the term emotional intelligence in 1990 to describe it as a form of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, to discriminate among them and use this information to guide one's thinking and action. And Dr. J started using this concept way back in 1925. It is part of his psyche, part of his personality. Despite so much work on the ground, it was strange that RSS hardly created any literature till very late, defining its intellectual path and vision, as it always believed that it is just reawakening the knowledge that already exists in Bharat for eons. This is what Guruji's view was, that we will depend on Shruti till we find it hard to go across to everybody, then we'll only go Smriti. RSS refused to buy the idea that Bharat is a multinational conglomeration. It frowned at Bharat being called subcontinent, while bigger landmasses like America and Australia are not called subcontinent. There is a subtle message in which our intellectuals have refused to read. We keep using the term of Bharat as being subcontinent. As we noted in its definition of nation itself differed from the Western definition, hardly 200 years old. It refused to accept Church and British inspired theory that Northeast was never part of Bharat and it strives for a separate nation. It dug into Bharatiya Itihasa and found links with the mainland Bharat. It referred to tribal practices and Hindu texts like Mahabharata to find common links. In fact, recently a journalist, Virag Pachpur, who had worked in Northeast as Vivekananda Kendra missionary, has written a series of 5 articles on Ramayana written in different tribes of Northeast, and more are being written. From 1950, a concerted attempt was, with a very limited resource, made to create the right environment in Northeast. And it had to fight entrenched Church, which had entered Northeast in 1936. And with use of very clever laws, others were not allowed to enter that area, and it was kept away from national mainstream. And conversions meant cutting off roots that led to the belief that they did not belong to India. After years of struggle, RSS helped turn the tide, and we witness the change now. I was in a meeting with journalists in Manipur a few days back, and I could see the difference, that they are so connected to the mainland now, which was not happening earlier on. And the entire resistance movement, the rebel movement, has calmed down, and people don't go on strike half of the year the way it used to. VHP held a convention, Vishwindu Parishad, in Northeast in the early years, immediately after Prayag convention. Many claimed that tribes were not Hindus, as they ate beef and were animist, which was not Hinduism. Shri Guruji argued that all Hindus worship nature, all Hindus worship snakes and other animals. So how can these tribes not be different? How they cannot be Hindus? On beef eating, he said that once they get better nourished and have better nutrition, they will give up beef. But eating habits do not define Hindu.
It was a progressive and very different approach and took the winds out of separatist elements in church. And he got it endorsed by Dharmacharyas. That is very impressive. We see the birth of Vanvasi Kalyan Ashram in 1950 for preserving tribal identity of us Vanvasis, which were being flooded with ideas that they were not part of larger society, that is Hindu society. They were being broken from the Hindu Samaj culturally, socially, due to their poverty and lack of education. Vanvasi Kalyan Ashram again chose to go back to native genius and found the deep links of tribals with the mainstream society living outside forest. It highlighted the battles fought by tribal leaders against foreign invaders from Turk to Mughals to British. They highlighted the work of Birsa Munda, for example. It worked. Reviving the Sanatan Dharma is basically so simple and it surprises many, but it requires a wonderful intellectual depth to understand this. RSS inspired Shabari Kumbh was organized in Gujarat in 2006 in Dang area, a place where Prabhu Ram had met Vanvasi Shabari. Lakhs of people turned up from towns and villages and also tribal areas. This sense of belonging is in the DNA of our people. Second was the Narmada Kumbh in Madhya Pradesh in 2011 that brought lakhs of tribals together who flocked to the banks of Mother Narmada. All it required was to refresh their memory about Prabhu Ram's yatra through the sacred land and help of tribals brethren given to Ram finally defeated Ravana. A locket of Hanumanji was all that was required to relieve the sacred memories and return to the fold. Thus, RSS broke ground and treaded a separate path defined by Bharatiya tradition and parampara, not shackled by Western and church-promoted view of Bharat. That is what is called manas of Bharatiya people. I am reminded of a small story which was extended by Manmohan Vaidyaji of a Brahmin who was looted by thugs when he was carrying a young calf on his shoulder by telling again and again that it's not a calf, but a dog. Manmohanji added to the story saying that all it required for the Brahmin was a small young boy telling him, or anybody on the way telling him, it was a calf. So what RSS is basically doing is reminding Hindus that they have a calf in the form of the knowledge and tradition and not a dog. RSS began work in education to preserve the intellectual independence of people. Saraswati Shishu Mandir was founded in 1950, and those sanskaras are provided despite using the CBSE syllabus, and it developed in people Bharat-rooted thinking in lakhs of them. In 1951, RSS was requested to support Bharatiya Jansangh to establish a counter narrative against the Nehruvian worldview and follow strongly the national ethos of thousands of years. This was a major step in political environment for Vaicharik Swarajya. 1955 saw the birth of first truly indigenous labor movement, not just in location but also in thinking, Bharatiya Mazdoor Sangh. We remembered Dattopant Thengdi ji, and this is one of his landmark achievements. The Bharatiya Mazdoor Sangh challenged the very notion of worker capitalist government relations as an employer-employee relationship, where the worker was bound to be exploited. It challenged the notion of exploitative capitalist and exploited labor. It treated the ecosystem as family and joint enterprise where labor must get dignity and equal treatment. They chose not to destroy the property of the industry because they believed that they were the stakeholders, not just an employee or a labor. It chose to celebrate Vishwakarma Divas, the most auspicious day for workers, self-employed skilled workers. So we moved on the May 1 as the Labor Day. For centuries, this was a day when craftsmen worshipped Vishwakarma as the first builder, worker, craftsman. The symbol of BMS itself was a sign of its independent thinking. The symbol carries a thumb, the only organization in labor field with human organized part of the logo. Next came the important project of defining political economy or the Earth Shastra from Indian perspective. This was an important project of Vaicharik Swarajya. Dindyal Upadhyay was given the responsibility of defining the third way. As RSS leadership could see, the imminent collapse of capitalist and socialist communist systems that dominated the world that time. Both talked of materialist satisfaction of person. Both talked of only difference between two was who controlled the means of production. Thus was born the Ekatma Manav Darshan in 1965. This is the most critical philosophy for the mankind that has seen only two economic theories that work purely on fulfillment of material wants and physical desires.
They do not consider spiritual satisfaction of a human being. Thus, human being is reduced to any other animal. Ekatma Manav Darshan was built on the ancient Hindu principle of Purushartha Chatushtya, fourfold efforts of Dharma, Artha, Kama, Moksha. We note that West has reached its zenith in material progress, found that it needed an element of spirituality to really enjoy life, and large numbers are turning to Bharat in search of real bliss. Integral humanism does not talk of continuous struggle between individual, society, nature to win something. It talks of harmonious living where individual is part of a family, a society, and a nation and the universe. It was not talking of Darwinian survival of the fittest, but it talked of struggle of the individual and harmony with the nature. Also, in the case of rural development, though we have very fashionably talked of urbanization of entire India and talking of rural, you know, villages as romanticism, RSS stuck to the point of development of the rural industry of cow-based organic farming, which is now the craze even in the West. It talked of feminism from Indian perspective. Rashtra Sevika Samiti worked on it, where we look at the female form as the mother, as the Durga who can destroy, who can create. And it is not just an object of gratification. It supported women priest introduction to in the temple field, again a revolutionary move. The biggest achievement of RSS, however, I would say that it moved the narrative away from the widespread history of Aryan origin theory that has been exploited to keep our society in turmoil. Social scientists close to Sangha school of thought discovered River Saraswati that was supposed to be a myth. Great archaeologist V.S. Vakankar, who had discovered more than 1 lakh year old Bhimbetka caves, was instrumental in bringing to life River Saraswati, which with painstaking research with the help of science, including satellite imagery. Additional research based on itihas of Bharat through Vedas and Puranas about receding Saraswati that led to human settlements moving to eastern plains and destroyed the narrative of Aryan invasion theory. Ratanji, excuse me. Time, jara dhyan. Just 5 minutes more. Okay, sorry for intervention. Sorry. Not at all. The establishment of River Saraswati changed the entire narrative of Aryan origin theory. It further led to finding out that all of us belong to the same DNA. RSS did not fall into the narrative of Khalistanis or Kashmiris or Kashmir being only a Muslim place, where actually the entire Bharatiya civilization and Hindu rishis resided. That was again brought into focus by RSS. So it defined the cultural unity of the nation. The revival of Swadeshi in 1991, again by Dattopant Thengdi, which was supposed to be unpopular at that time, has finally found recognition. Even currently, the name of Atmanirbhar Bharat, and also globally, people are talking of Atmanirbhar countries. But in my view, the most important and neglected work of Sangha is nurturing Vaicharik Swarajya at the very grassroots levels of the society. It is easier to create an intellectual ecosystem within four walls of elite intellectual institutions or higher levels of better of society. But it is not easy to arouse the society at very basic level, from urban to rural, from poor to rich, out of the slumbering hundreds of years and awaken it to our true nature and strength of our nation. Only person in recent history who could do it was Mahatma Gandhi with his evocation of Ramarajya and power of non-violence with simple symbols. Before him, it was Lokmanya Tilak who used Hindu traditions to arouse the masses. So raising the general level of consciousness in the common people was the biggest achievement of RSS in creating the right kind of environment. RSS began its national campaign for bringing people closer to their ethos, help them recognize strength and negate the Western propaganda. Despite huge negative propaganda against it and Hindu Dharma in the guise of modernism and secularism, basically pushing anti-religion communists under the protective umbrella of Congress, this was a time when a Hindu voice could be ridiculed, brushed away, and captured from the media. However, this sustained attempt to awaken the renaissance of Hindu society has finally saw the social consciousness of Bharatiya society rise on the ground level. Yeh jo karvat Bharat ne li hai, iska credit Sangh ko jata hai. Whenever we talk of this renaissance of the Swadeshi thought, it will not be complete without RSS role in it, which has been denied so far. I thank Professor Makan Paranjpe to bring RSS out of shadows and give it a place in a very important national seminar and webinar
to bring RSS role to the mainstream, what RSS has achieved in last 96 years of its existence. Thank you very much. Namaskar, Ratanji, and sorry for the intervention in between. It must have somewhat affected your flow. Sorry, because we have to present another paper also, and also many of our participants are very much eager to ask so many questions to you. I would like to request the participants to reserve their questions, and you can ask to the both the presenters after Prabhulaji's presentation. Prabhula Ketkar, he's the chief editor of Organizer Weekly, and also actually professionally, though he is now a journalist, but actually he's an academician. He was a professor in Pune University. So without much, you all know better than me, of course, about Prabhulaji's intellectual interventions and all those things in the Indian current intellectual discourse area. So I am requesting Prabhulaji to present his paper on media. Namaskar. Thank you, Nandakumarji, for chairing this session. And I would like you to make concluding remarks, because you have been working on the idea of Swaraj for last few years, taking into consideration this entire idea of 75 years of independence. I would like to thank Professor Makarand Paranjpe for not just organizing this webinar, but also bringing out this entire concept of Atmanirbharta out of, you know, the economic and infrastructural domain. You know, since the coinage was used by the Prime Minister, it was assumed as if, you know, Atmanirbharta is limited to economic self-reliance. But the root of it lies in intellectual independence, or rather, I would say, re-Indianization of intellectual discourse. That is the real challenge. And thanks for bringing in. That's why I'm going to limit my presentation on the issue of In Quest of Swaraj, and how contemporary media discourse, especially in English media, has been, distorted and de-Indianized, and what we can do, and what efforts that are being done to re-Indianize the discourse. And lastly, I will come with how social media is playing a great role, or new media, new age media is playing a great role in bringing in the national perspective as far as this thing is concerned. Last week only I was speaking to some of the young media students, mostly from Delhi School of Journalism, and one of them asked me one interesting question. She said, sir, why do we get only negative projection in Western media? And why all those stories coming in The Guardian, the BBC, and Washington Post, and New York Times are showing India in a bad light? And then I, in a response to that question, I cited one research which has come out recently by one Indian scholar, again a very prominent social media activist, Shantanu Gupta, where he has analyzed around 592 headlines done by Western media on India, specifically with COVID-19 pandemic. And he has come to the conclusion, I won't go into the details, but he has come to the conclusion that 76% of the headlines are fear-inducing, hyperbolic, critical, doubting,
mostly what he has used the term super panic spreader. So while answering to the student's question, I said, do you think that this is just a problem of Western media? It is but natural, means British looking at India from European prism was but natural. But the problem starts, most of the columnists, I know Professor Paranjpe is also doing his effort through various columns in other media platforms outside India, but most of them, the so-called celebrity columnists and journalists, they are the ones who are shaping the media discourse on India outside India. And here also, they are the ones who are in touch with the foreign media correspondents and giving them the, or rather strengthening their non-Indian perspective about India. And that's why I thought there is a need to look at how media has been dealing with the contemporary key issues from non-Indian point of view. So I have chosen, you know, three, four important issues. Here I would like to remind that, you know, not just in India, all over the world, media discourse are by and large shaped by the academic discourse. So what is, what gets intellectual sanctity in academia also gets reflected in media narration. Of course, media schools, journalism schools also play an important role in it. But for example, if you see post-emergency, since this term of secularism was inserted in constitution, and this entire discourse of being communal and being secular has come prominently in not just academia, but even in popular discourse. I remember in 1998, one almost illiterate voter in Bihar responded me when I was doing some survey related to election there. And about one of the candidates in Bihar, his reply was, "Ye to bahut communal hai." Now I informally discussed with him what his perception of being communal or secular is. But that shows, you know, this terminology is getting percolated down to the larger masses, and these perceptions were systematically created. So in academia, as Marx, Mill and Max Weber, these important intellectuals played important role, and missionaries were carriers of, you know, in Indian interiors and even in intellectual discourse through various societies and NGOs to establish certain discourse. What I see by when I study media, I feel that till almost 1950s, there was a set of media in India. And when I'm talking about media, I'm mainly focusing on English media, because there is a huge difference when it comes to dealing with the issues of what is popularly called as the vernacular media, the media that is running in Indian languages, and the English media. Maybe it's because of the language, but more than the language, the kind of colonization, even today, English readership and English viewership, both is very minuscule. But still, they are defining the discourse. They are defining what is right and wrong. They are defining what is intellectually correct and incorrect. And the main reason for this is the way
entire intellectualism, if we see 1910, 1920s, there were, frankly speaking, this process started in 1772 itself when, you know, the Press Act came and Pitt's Act came and Times of India started, and it was mainly, and as a counter process, there were many efforts were taken by the freedom fighters to come out with a, you know, their own media houses. You won't find a single freedom fighter who didn't strive to be a journalist at some point or the other. That clearly shows that there was a continuous rigor. Even in the intellectual field, you will see the discourse about Hindu chemistry, Hindu polity, and there was a continuous reply. When the first concept of Purna Swaraj was discussed, and again, I think it is a very under-researched area. In 1929-1930, if you see the correspondence between Gandhiji and Nehru, and Gandhiji is giving a sort of call that I need to debate this, what do you mean by Purna Swaraj? There has to be, there cannot be just a resolution passed. And there is a complete silence from Nehru's side. And Nehru, in fact, came up with that your ideas are outdated. They need not be discussed now. We should be forward looking. We should be modern. And sort of intellectual colonialism was justified as modernity. But still, what I am saying is still 1955-56, when state control over advertisement and state control over defining the discourse came into existence. The state centrality was established with the Audi Convention of Congress, when socialism was adopted as official policy to be promoted through the state. Till then, there was some resistance. We can see that when the first amendment was introduced by Pandit Nehru in the parliament, and if you see the media discourse that was happening that time, two publications were put under censorship. One was Organizer, and the second was the Crossroads, both representing different ideological viewpoints, but both were critical of, you know, Nehruvian policies. Now, present freedom of speech and expression should be seen in that light. And if you see the entire discourse that was happening in media, even academia at that time, it was very critical of the present day liberal icon called Jawaharlal Nehru. But unfortunately, coming 1952, and you suddenly see this discourse dying down. And by 1955, nobody is talking about reasonable restrictions and how it were imposed, whether proper, except one organizer and another attempt that was started, and that both of them have a contemporary context, that's why I'm referring to it, was Siraj Gopalachari's Swarajya. It is interesting to revisit this entire journey. But even post 1955, within the Congress and larger intellectual discourse, you see there is a sort of resistance, and there is an attempt to reassert Indian point of view, even in English media, by certain intellectuals. And that tradition goes down up to almost, Girlal Jain, and to some extent, even Arun Shauri. What we see post 1975, and I'm deliberately demarking this, the emergency phase, because 25th June we will be having another, reminder of that dark phase of Indian democracy. There is a clear-cut shift as far as media behavior is concerned. The takeover of media discourse by the this binary of being national and anti-national itself is un-Indian. In fact, I believe that the real process of intellectual colonization, and I'm not an, don't
claim to be intellectual or academician, but I feel that my as a student of history or political science, I feel the day Indian leadership and intellectuals accepted that monotheism is something to be followed, and it is the virtue because of which we, you know, the foreigners are ruling us. Polytheism is, you know, multiplicity of faiths is something that is very dangerous and creating problems for us. I think that was the first sign of our intellectual colonialism. The second phase of it is thinking everything in binaries. And the worst form of it today is perhaps the entire discourse on being national and anti-national. All of them who are seeing India from non-Indian point of view are not anti-national. Unfortunately, they are disconnected to the roots, and that's why their intellectual thinking or prism is de-Indianized. And therefore, it is reflected in 3-4 important issues. I will just flag those issues. I won't go into detail. Then I will quickly come to the conclusion there is a paucity of time. The first issue is, as I said, about the being secular and communal. Now, for example, historically seeing whether the issue of, say, Akbar and Ashok being the symbols of secularism, again, it is contrary to the dictionary definition and the original idea of secularism, where state has to be, state should not propagate any religion. Both these icons, in fact, use state, apparatus to promote certain things. But the way Indian media and academia has promoted this idea, and the way Indian media has been entirely dealing with the idea of being secular with double standards, clearly shows the de-Indianized thinking, at the same time the intellectual confusion. See, my firm belief is in academia or in political sphere, there can be a concrete agenda, being a Marxist or being following, or even for that matter for Islamists. But in media, there seems to be more a confusion, because they are in neither here nor there kind of state. So they are, somebody standing with hardcore Islamist approach is still can remain secular, but somebody just talking about cow protection becomes communal. And then this cow protection issue, which has been at the forefront for almost 300 years now, precisely speaking, 1707 was the first decree that was, or a fatwa that was issued. And from Aurangzeb time, there has been a consistent, if you see the idea of Swaraj, then one issue, if that is constantly haunting and playing a critical role in this entire discourse, is about cow. Many a times we do not realize this, but why and how cow protection has been central to it from 1707. And that itself can be a matter of study. Thirdly, which is clearly visible even in the Ram Janma Bhoomi movement and the entire discourse. The symbol of Ram or Krishna or Shiva, or for example, if you take, more not known examples like Tulzapur. Afzal Khan, while moving towards Pratapgarh, his first attack was on Tulzapur. Tulza Bhavani was, the family deity of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Why that particular temple? And that quest was always there in the popular psyche. Intellectuals, unfortunately, and media celebrities could not connect and understand with that process of the common people. So that disconnectedness, and then
reshaping the intellectual discourse, superimposition from with top to bottom approach. That is a problem, and that attempt was done even in the Ram Janmabhoomi movement. But there was, I think it was a great turning point, even in the media discourse, because first time it created clear-cut division about the people who want to see Indian issues from Indian point of view, and Ram and Ram Janmabhoomi became first reference point to re-Indianization process. Many a times it is not seen as that kind of intellectual activity. The last reference that I would like to make is about the role of the state and the relationship between the state and the society. Historically, there are many scholars here, there are many Sanskrit scholars here, and we have dealt with the concept of Rajya in very in-depth analysis. But if we just go to Kautilya's Arthashastra, there is a very elaborate, and before that there are at least 17 and 18 treatises related to the concept of state. But the entire idea of governance, and as Ratan Sharadaji referred about, you know, this sort of anathema about decentralization and rural economy in the name of, again, so-called modernity, has been a great problem even in media. On the one hand, in the literary field, it was romanticized. On the other hand, in media, it has been, sort of, we got into intellectual ghettoism, something as backward, something has to be mainstreamed. And urbanization and mindless urbanization as if is the only sign of progress and development. So the role of state, and state being instrumental in forcefully inducing certain changes and completely neglecting the role and autonomy of society. In fact, within communist discourse also, if many academicians are here, if you remember 1980s great debate started by Nicholas and Polanza, and autonomy of state and autonomy of society, that is mainly talking from the communist perspective, because ultimately is the, you know, the revolutionizing the means of production. But if you see in Indian context, whether it comes to managing the the entire family apparatus, and we have seen that especially during the pandemic. I'm coming back to pandemic issue simply because it has tested the resilience of Indian society in many ways. If you see many people coming out voluntarily and helping out people, many religious and other organizations coming out and doing some work, even some people voluntarily getting some training to deal with pandemic related crisis. And unfortunately, these positive sides were never or did not get that kind of prominence in Indian media which they should have. And there I think the real problem lies. Now, fortunately, there are many such issues which I can keep on discussing about the entire idea of inclusion and exclusion, the way we are dealing with the issue of dead bodies floating in Ganga, and there are many issues related to media where we can keep on how one de-indigenized thinking can lead to disaster to even understand a basic story. But what I would like to say is there has been a churning that is going on, and the so-called new age media or social media has come out as a very, a very powerful counter to this de-Indianized media discourse. I think there is an urge to nationalize media discourse. I'm really proud that I'm editing one weekly magazine that has fought this struggle for almost 75 years now. Exactly on 3rd July 1947, we had come up with our first issue just before independence. For these 75 years, it has been a long struggle, ups and downs, strong repression that we have faced from the state. But
But now we see there are many people coming out in our fraternity and talking about rectifying the historical discourse, revisiting our social issues and problems, coming out with the positive side of Indian society and social resilience. And another important aspect in this is, and I would like Nandakumarji to reflect on this, the way spiritual force has played a role in reclaiming the idea of Swaraj. If you see, at every stage of life, our national life, there is some spiritual force behind that has shaped our Kshatriya Dharma. And in media discourse also, that is completely missing, that prominence of spirituality playing a role and reclaiming the idea of Swa or Atman is critically important to reshape the national discourse. In a way, the kind of education process that we have come from, we are also many a times de-Indianized in our thinking. So, but there is a genuine attempt now to revisit and re-Indianize, or rather nationalize our media discourse. And I believe that such kind of webinar is very important for sharing and bridging this gap between, you know, the intellectual efforts that are going on to be really Atmanirbhar even in the intellectual sense. And I again congratulate Indian Institute of Advanced Studies and Professor Paranjpe's team for coming up with this theme. I hope I have made some sense with the examples from media, and I would like to get your feedback how media discourse can be taken further to see the issues from a national perspective. Thank you very much, Professor Paranjpe. Thank you, Nandakumarji. Thank you, Prahulaji, for this wonderful presentation, both of you. Ratan Sharadi, Sharadaji has gone much deep into the Sangha philosophy and Sangha methodology on the very basis of our spiritual democratic concept. Democracy has got a different form here. Actually, in Sangha, we used to we are also democratically working, but it is very much spiritual democratic way or parivarik democratic way. So all those aspects have been very well explained by Ratanji, and I don't want to add much to the points which have been presented by the learned presenters, I mean in the speakers. So the stage is open for the participants. I think as we have got 10-12 minutes more, actually. If some questions are there, some doubts are there, I think you can yourself unmute, or the host can unmute the particular person. 2 or 3 questions can be asked to the speakers. It's up to you. Anyone to ask any questions? Hi, Majay, may I? Aji. Introduce yourself and ask, okay. I am Ajay Bharadwaj, media person from Chandigarh. I am not invited to the webinar, but somehow this information came to me, so I thought I should participate. So my question rather is to Prafullaji, that why is it that national narrative becomes such a challenge in the popular English media to find space? Why is it that liberal thought, so-called liberal thought, which we see very popularly, as you have already mentioned, finding space in the media, but whenever a nationalistic point of view, what Rashtra Bharat, jo likh ke dete hain, so editors are very prejudiced towards this. And why? How do you think this wall can be demolished?
is it's a very serious, because I also come from the English media, so I always find it very difficult to present a nationalistic view on any given subject. I would request you to kindly enlighten, throw light on this. This is a serious thing, because okay. I see Times of India. Ajay ji, your point is very clear. So make it brief, because time is privilege. Yeah, that's it. That's it. Thank yeah. you. See, as I said in my presentation, first problem is about the language itself. That the terminologies that we use, the you know, it's very difficult to we are carrying the baggage, the English media and the English language is carrying the baggage of two world wars and fascist and Nazis idea of nationalism. So nationalism is something negative, and nationalism, and that's why I have deliberately and continuously used the word. I never said nationalist, I never said nationalism, I said national perspective. The simple reason is, it simply has to do with being rooted. And it is not at all a problem for other Indian languages. It is not at all a problem for even Hindi media. It is a specific English media problem. So it is essentially a problem of language and terminology. Secondly, as most of the editors are the so-called, you know, opinion makers in the media field, have been from specific ideological background with a completely contradictory term called left liberal. They are the ones who have been controlling this media narrative, and that is the reason. And the as you said, it is really challenging, but thanks to digital platform and social media, some space is being created. But I think the real challenge perhaps is in the school of journalism and media studies, because both of them, and especially the school of media, centers of media studies that have come out from the typical deconstructionist school, seeing the things in piecemeal and coming out as a separate discipline for media studies, like cultural studies. So there the real challenge lies. So we need to groom, we need to bridge this gap between the Indian terminology, Indian thinking, Indian rootedness, and still lucidly and with right examples explaining this to the next generation, which consider itself to be cool, and they want to be more logical. So we need to connect with them. Just one example, in Indian Institute of Mass Communication, I just asked one question to these millennials. I was teaching one paper there on current affairs. So I asked them, what was the key question of scientificism and modernity that entirely shaped the entire discourse? And they were a bit clueless, because sense of history is very strange with them. But I said, the real question was about the nature and the state of Earth. And that was the primary question. And it was considered as a challenge to biblical norms and the church. So whether the Earth is flat or spherical was the critical question where the debate started. And both Copernicus and Galileo had to face repercussions because of that. And then I asked them, how many states you come from Indian, various states? And they said somebody from Tamil Nadu, Bangla, and so almost 12, 13 states, students were represented. So I asked them, what do you call the subject matter that study Earth in your own language? And without any exception, everybody told me that it is Bhugol.
And Bhugol is the term that exists at least for 3,500 years. So earth is goal, spherical, was never a confusion in Indian language. That debate was existing for last 450 years in English. So I think we need to question them. We need to think, make them think logically with Indian examples. I think we can make it, but it is a long process. Please try and understand. From 1856, at least, we started this decolonization process. Though there were efforts to decolonization, the institutions that have been created by the colonial structures are continuing as it is. And that is the primary reason it is a very challenging time. Thank you. Another question, one more question, preferably to Ratan Saradaji. I'm not insisting that you must ask only to Ratan Saradaji, but evenly we can divide the time. That's why if someone is to ask, preference will be given to Ratan Saradaji. Yeah, Anuradhaji is asking. So I may ask Sharadaji only. Media, but one of the biggest challenges that the is constant image. Can you hear me now? Can you hear me? Is it clear? And now it's clear. Now it's clear. Is it clear now? I don't know. Now it's clear, but make the point very specific, brief. Okay. Yes. Come on. So what I was saying is that has the Sangha invested in consciously projecting or creating the media image? Because media being such a powerful way of generating images, narratives about anything in society. So has the Sangha, if not finally, because I've had this discussion with a few seniors. And I've always questioned that why is it that they've not consciously invested in creating this media narrative that will rectify a lot of the wrong ideas that have been perpetrated thus far. And just to Ketkarji, just a quick, there was that, are there any Indic institutions for journalism that are being planned or, you know, that? So probably it can be a connected question. So Shardaji. Okay, first of all, Ratanji. And then Prabhulaji. I think Nandakumarji can answer it better since he has not spoken. No. I have got a specific role here and Makranji has given me that role and I am playing that. You see, cannot RSS... provoke me. Prabhulaji also tried to provoke much, but I will not be provoked. The Prachar Vibhag in RSS came into being somewhere in 1990, which means nearly God's own years before it became a part of RSS vocabulary. So though there was use of media, it was just used to be press handouts and somebody, most of it won't be printed because people had to be kept away from the harm's way. Then somewhere in 1990s, Prachar Vibhag took shape. But because of the earlier sanskar and earlier reluctance to go full-fledged into Prachar or into media, it took its own time to take shape in terms of getting into every field possible for media exchange. But I would say that since year 2007 or 8, I can say, there is a marked change in the way RSS is interacting with the media. And since advent of Mohanji Bhagwat, you will also find that he's also very open to media. And with that particular approach, even a lot of Pracharaks and a lot of people are coming on TV, talking about RSS, writing about RSS. So things are changing, but as Praful has earlier indicated, the domination of left-trained journalism across the board doesn't allow enough space for RSS news or views to be published very easily. Though now many media give it because that is what sells. It is true. So social media is doing very, very well, working hard, but it's miles to go and a lot of more work needs to be done. Praful, please. Prabhulji. Anuradhaji, we should first understand that RSS fundamental point of view is about working with and working through society. So indulging in, you know, state apparatus, though there are some certain attempts now to, you know,
influence certain, as we have seen in entire Jammu Kashmir related discourse and Article 370 and 35A, RSS has played a very constructive role. The debate was old, but if you see in last 10 years, there was a systematic shift as far as the way issue was presented intellectually, not just emotionally. So I think there has been certain attempts, but the real issue is communist or the so-called left liberals think about issues from taking over the state, controlling the state, while RSS functions more in the society and with the society. So change through the society is RSS point of view. So that is a fundamental difference. RSS means I am going to RSS Shakha from my childhood, but I have never heard any Baudhik or lecture on Rajya. It was always on the Rashtra, the people. So taking people together. So even in Prachar Vibhag, letters to editors, writing on social media, you know, making social media interventions, digital platforms have been very successful. But creating independent institution with state support for journalism and media, in some states, certain syllabi and you know, the courses that are being introduced in journalism and media to bring in Indian point of view. But there is no independent institution as such. Few modules are certainly developed. Certain autonomous training institutes have come up to train media people. But I believe that there is a fundamental difference in approach. And that's why RSS point of view will always come from, not from top to bottom, but from bottom up approach. So it is many times it is time taking, but it surely gives a very transformative results. We have to work with the combination of both, perhaps, because unfortunately our institutions of governance are very state centric for last 75 years. So we have to learn the art, and academicians and intellectuals can play a role in that process. Thank you. Namaskar. With the permission from Professor Makranji, I would like to take 2-3 minutes or some 3-4 quick points. It was a wonderful experience. It was really enriching, even to me, because even to me means as far as the first presentation is concerned, that means regarding Dr. Swamy Sank, being a very good researcher, Ratanji has gone very deep into the topic and presented it in such a way that all the listeners will get a very good perspective, very good comprehensive perspective about Dr. Swamy Sank. So there is paucity of time. So I would like to say give an example regarding Rashtriya Swayamsevak Sangha, very much connected to the intellectual freedom or independence. Once Akkitham Achyudan Nambudiri, you may be very well aware about that name. He was the Jnanapeetha laureate, last year's Jnanapeetha awardee. He once came to one Sangha program, and being a Vedic scholar and a Sanskrit scholar, a very good poet, internationally acclaimed literary figure, Akkitham has given a very good definition for Sangha. I think it is very much connected to the Swarajin ideas also. See, to give that example, he made a new acronym for Rashtriya Swayamsevak Sangha, a short form for Rashtriya Swayamsevak Sangha. For that purpose, he shuffled the three words in Rashtriya Swayamsevak Sangha's name. Rashtriya Swayamsevak Sangha's, that words were he shuffled. He said that Swayamsevak Rashtriya Sangha. So the short form will be Swarasa. Swarasa, that is the nectar of spirit of selfhood of this nation. See, the nectar or spirit or rasa of this selfhood of this nation is RSS. So how
wonderfully, how beautifully he has defined Rashtriya Swayamsevak Sangha in that way. That's why I also, while I was speaking in between, that Sangha is for changing the thinking pattern of the general public. As Rashtriya Swayamsevak Sangha is an organization of the society, not an organization in the society. Dr. Hedgavar, the founder of RSS, used to define RSS in that way, that an RSS is not an organization in the society, but an organization of the society. So the very concept itself is a Bharatiya concept, the very concept. Our concept is not on the basis of the compartmentalized thought. We, Rashtriya Swayamsevak Sangha, approach towards every issue is a comprehensive one. We see it as Sangha sees it comprehensively, fully, completely. In that way, we can't say that we are another, just another organization as all other organizations working in the society, but an organization to organize the society as a whole. So that is the, in a way, the Swarajin ideas, the very concept of organizational viewpoint. A new culture, organizational culture has also been introduced by Rashtriya Swayamsevak Sangha. And when Dadarao Paramarth was defining Rashtriya Swayamsevak Sangha, when he was in Madras, Dadarao Paramarth was one of the pioneers of RSS. Just after Dr. Hedgavar, there two, three senior most workers became full-time workers. One was Dadarao Paramarth from Nagpur. He was asked by a Chennai intellectual, okay, I have heard your long speech, but can you define RSS in a sentence? Dadarao Paramarth turantunane utha, and he has answered it in a rhythmic, poetic manner that RSS is an evolution of the life mission of the Hindu nation. RSS is an evolution of the life mission of the Hindu nation. The very life content or life spirit of this nation is being evolved as RSS. So in that way also, it's a entirely very much akin to the very culture and the tradition and the heritage of this nation. But because of the educational habits we were following, because of the colonial rule and everything, the general public is as a whole cannot understand it properly in that way. They are just comparing it with the other organization. There lies the main problem of the reality and the perception. That problem is there, but Rashtriya Swayamsevak Sangha is very well trying to solve that issue also. That's one point which I would like to, I'm interested to add. Another thing regarding the media. Okay, Prabhulaji asked me to reflect on it, but sufficient time is not there, already 1:10. Makaranji has already said in the beginning itself, we have to conclude it by 1 o'clock. I would like to take a quotation from Mahatma Gandhiji from Hindu Swaraj. Hindu Swaraj is supposed to be considered as a manifesto for idea in Swaraj, Swarajin ideas. So in the first chapter itself, he has defined the media, the purpose of the media, how media is to work. So I feel that there is an Bharatiya way of media approach. He said that three duties are there for the media men. First of all, aam bhavanaon ko samajhna. You have to understand the common emotions and manifest it. Isko ek prakar se, you have to manifest it. That is the first duty of a media man. Means ek journalist ka kaam keval management ka jo bhavanaon ko samajhna, isko manifest karne ka nahi hai. Or some particular ideology very much un-Indian or anti-Indian, isko samajhna aur isko samajhana ye kaam nahi hai. Gandhi ji has specifically said that aam bhavanaon ko samajhna aur isko manifest karna. And second samanyata jo media persons and our artists are saying, it is not the duty of ours to change the society. We are just expressing ourselves. So that is not. Gandhiji is saying,
वांछनीय भावनाओं को इन्फ्यूज करना समाज के अंदर. द डिजायरेबल इमोशंस आर टू बी डिजायरेबल इमोशंस आर टू बी इनकल्केटेड और इन्फ्यूज्ड इन द सोसाइटी. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने बताया, यू हैव टू बिकम फियरलेस टू एक्सपोज द शॉर्टकमिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एवरीवेयर. यू हैव टू बी फियरलेस, निडर होना चाहिए. सो with this approach you have got an enlightening duty, enlightening responsibility, society ko enlighten karne ka responsibility hai. And also the very concept of dialogue also has to be reinterpreted in the way we need an integral dialogue system, integral dialogue, not a monologue in that way. So in our culture, in our national भारत का जो विचारधारा में मीडिया संबंधित और संवाद संबंधित जो विचार है, इसको हम रिविजिट करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द एकेडमिशियंस. सी हियर ऑल आर एकेडमिशियंस असेंबल्ड हियर. वी हैव टू रीस्ट्रक्चर द वेरी एकेडमिक्स इन कनेक्शन विद द मीडिया. सी आई वुड लाइक टू आस्क द एकेडमिशियंस, एस्पेशली दोस हु आर कनेक्टेड विद द मास कम्युनिकेशन एजुकेशन, whether we have got an Indian theory on mass communication. Indian theory is being educated or taught in our classes. How can we expect something else, what which are going on now, something else other than this? So in that way, there is a need, there must be a quest for perfection, there must be a quest for restructuring, there must be a एक प्रकार का विचार मन में आना चाहिए इसको ठीक करने का. दैट इज व्हाट विच वी आर एक्सपेक्टिंग. मेरे को ज्यादा पॉइंट्स तो बता सकते हैं संघ के बारे में भी एंड मीडिया के बारे में भी, बट आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम. आई वुड लाइक टू थैंक द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, हेडेड बाय प्रोफेसर मकरंद परांजपे, टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ वंडरफुल मीनिंगफुल webinar, which actually enriched us all, and it is going on. A lot of other sessions are also there, and I would like to congratulate Leonard speakers, presenters, Dr. Ratan Sarada ji and Prafulla Kedkar ji. Thank you. Vande Mataram. Thank you, Nandakumar ji. Before I request the convener of this conference, Professor Rajvi Sharma ji, to conclude this session, the morning session, I want to take everybody's permission back after lunch at 2:30 rather than at 2, because people have to take some time and have their lunch as well. So if all of you agree, then I'll request Ritika ji to send a mail that we will reconvene at 2:30 instead of 2:00. 2:15 would have been okay, but I think 2:30 is a little better, so that people can, I know there are very senior people here and they may want to rest for at least 5-10 minutes. All day from 8:30 they've been up and doing this work. I just wanted to say one or two brief points, and then I'll hand it over to Rajvi Sharma ji. The first thing is, we have been very polite here, but I must say that media manipulation has a lot of big money and political interests behind it. This is not the forum to talk about it. Somebody should do a research on this. The headlines that our friend Shantanuji has tabulated are not accidental. There are big forces behind this, and there are gatekeepers. Those of us who have tried to write for certain media houses or even academic houses have faced blacklisting. I'll give you one small example. I wrote many papers for EPW, and then I was blacklisted because I wrote something on Swami Vivekananda. And I got a reply, I have that reply, from a former editor who says, we don't accept Swamis and all this, interesting kind of writing. We are not a faith
had written on Swamiji and modernity, believe it or not. So this is a pure ideological blacklisting, but there are huge financial and other resources. So we won't go into that now. And then I also wanted to make a very small point. Nandakumarji mentioned, Dadarao Parmathji. Someone asked me sometime back, you know, when BJP won Assam and all that. And I told them that there were three people who went to the Northeast even before independence in 1946. Dadarao Parmathji went, Vasantrao Oak, and Krishna Paranspeji. So, you know, 50, 60, 70, 80 years people have worked for a cause, and this is RSS. Now, if you don't understand this, let's not have a discussion. You know, this is not an overnight transformation. Entire generations work for a cause. And here I want to mention what Nandakumarji said. I think that was very important. He said, RSS ek vacharik andolan hai. It is not, you know, everybody says it's a social movement, cultural movement. Some people say it's a political movement, but it's actually something to transform thought, because thought is the basis of transformation. And finally, when Ratanji was talking, I remembered I read a bunch of old thoughts many years ago, and I had underlined a passage there. So I found an e-copy of the book when you were talking, Ratanji. So I want to read, a very interesting conversation that took place between Pandit Jawaharlal Nehru and Guruji Golwalkar. So let me, if you have just 3 minutes to take. So Pandit Nehru, this is a quotation from a bunch of old thoughts. Pandit Nehru here refers to Guruji Madhav Sadashiv Golwalkar, okay? Pandit Nehru, he said, why are you always harping on Hindu, Hindu? By this, you're only shutting yourself up within your four walls, not allowing the fresh breeze from the outside world to come in. Of course, he was referring to Gandhiji once said, I want the breeze from all over the world to sweep into my house, but I don't want to be blown off my feet. Perhaps Nehru was referring to that. I don't know. But he said, there should be no wall separating us from the wide world outside. We should pull down all such outdated barriers. Guruji continues, Pandit Nehru was a big man and he spoke with great emotion. I calmly replied, I totally agree with you that we should allow fresh breeze to come in from all ideologies prevalent in several countries, sift them and assimilate whatever is beneficial to us. But to do that, is it necessary that we should demolish the walls of our house and bring down the roof upon our heads? On the contrary, would it not be wise to keep our house intact and just open the windows and doors to let in the outside breeze? I felt that broad-mindedness if stretched beyond the practical limits would only end up in finishing our national entity. And I must say, it is our so-called narrow national outlook which will ultimately help raising up our nation even while absorbing what is desirable from the outside world. Now, here's a line, which is the clincher, very interesting. To this, Pandit Nehru remarked, well, I concede that such conviction is needed to put in determined efforts for any cause. So let us also not forget that Nehru was himself a very broad-minded man in his own way, despite his Himalayan blunders. Anyhow, Rajveerji, please, it's up to you now to say a few words, perhaps of thanks, and invite everyone back at 2:30. Thank you. If you allow me just 5 seconds, very interesting example. Yes, sir. Once a producer wanted to make a series on Premchand ki kahaniyan. We know Premchand, of course. Most of your people know about Premchand. So the manager of the particular TV channel asked him, the person, who is Premchand? Give me his profile. So this is the condition of education. Indeed.
It's shocking. I agree. Adarniya Shri Nand Kumar ji, Adarniya Nideshak Mahoday Professor Pranjpe ji, Shri Ratan, Dr. Ratan Sharda ji, Dr. Prafull Ketkar ji, और हमारे सुबह के जो बहुत ही सम्माननीय वक्ता प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी, हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी पूरे सेशन में शायद नहीं रह पाए, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स, हम सब जानते हैं कि आज का जो सेशन है वो मॉर्निंग में 10 बजे प्रारंभ हुआ और इसमें अब तक हमारे चार बहुत ही डिस्टिंग्विश स्पीकर्स ने अनेक विषयों पर अपनी बात हमारे सामने रखी। प्रोफेसर प्रांजपे जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वक्तव्यों की एक समरी हमको प्रदान की, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, केवल इतना कहना है कि आज के दिन जो हमारा आधा दिन बीता है उसमें स्वराज्य इन आइडियाज हैज बीन एनालाइज्ड बाय द लर्नेड स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार gave us the meaning of Swaraj right from the Vedic period till today. And she insisted that without really taking the adhyatmic analysis into account, the Vaicharik Swaraj may remain some kind of an incomplete discussion or a deliberation. She, in fact, threw light on the adhyatmic swaraj, arthik swaraj, rajnitik swaraj and sanskritik swaraj, meaning thereby she in fact was trying to say that swaraj is not unidimensional, swaraj is a multidimensional concept. So avdharna ke taur par unhone kaha ki swaraj ek ye sach hai ki swaraj is an idea jo professor Pranjpe ne apne opening remarks mein aaj kaha, और उन्होंने कहा कि जो आइडिया है वो मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी सारी जो बात है स्वराज के कॉन्सेप्ट की, ओरिजिन की और उसके स्कोप की बात हमको बताई। ऐसे ही प्रोफेसर दीप्ति त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में हमको हमको आगाह किया कि हमें अपने पर कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों उस समय का इंतजार करें कि जब हमारे विचार को अप्रूवल मिले कहीं बाहर से तभी वो तर्कसंगत होगा। हम यदि अपने विचार में वास्तव में तर्कसंगत हैं तो उसकी अप्रूवल बाहर से कराने की आवश्यकता नहीं है। वी शुड प्रोसीड विद दैट। और हमारे दो जो आज के अंतिम वक्ता रहे डॉक्टर रतन सारदा जी और डॉक्टर प्रफुल्ल केतकर जी, उनका एक बहुत ही अद्भुत वक्तव्य इस मामले में रहा कि उन्होंने दो पक्षों को, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रारंभ से ही चूंकि संघ ने वास्तव में कभी पब्लिसिटी पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने काम पर ध्यान दिया, वो कर्म योद्धा के तौर पर संघ ने काम किया। और नंद कुमार जी ने जैसा कहा कि जब तक हम अपने इन सिविल सोसाइटी की धारणाओं को केवल वेस्ट के चश्मे से पढ़ेंगे तो शायद हम आरएसएस को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आरएसएस इज़ ए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा उन्होंने कहा सही कहा। और उनका कहना है कि RSS is in the society, RSS is the organization in the society, not of the society. It's a wonderful explanation of what RSS is. Aur Ratan ji ne humko bahut sare
चीज़ों को कहा, तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा। प्रफुल्ल जी ने मीडिया के रोल की और मीडिया की समस्याओं की और चुनौतियों की चर्चा हमारे सामने की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी वक्ताओं का, और जो हमारे आज के सेशंस के अध्यक्ष रहे नंद कुमार जी और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, सबका धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। हम 2:30 बजे फिर से मिलेंगे। मेरा आग्रह है आपसे कि उसमें आप शामिल सक्रिय तौर पर रहें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। नमस्कार राजपाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार नंद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और कुछ बहुत पूरा अच्छी समय बैठने के लिए जी। जी, I was there in the first session also. I joined in between. I didn't see your face because you were invisible, yes. But I saw your name on the side. So thank you for taking your time out. Thank you all very much. Please enjoy your lunch and let's reconvene at 2:30. Thank you. Ratan ji, namaskar. Prabhu ji, namaskar. Namaste, namaste.